आपको बदलना बहुत मुश्किल होता है, जिसके लिए आप हिप्नोसिस के सहारा लेते हैं, आप चेंज करते हैं। लेकिन इससे भी ऊपर एक चीज होती है कि आपकी लाइफ में जो आज चल रहा है, आज की डेट में आप कहाँ अटके हो, मेरे को पैसा नहीं है, मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं है, मेरे मेरा हेल्थ ठीक नहीं रहता, ये सब जो चीजें हैं ये आप सब कॉन्शियसली अपने डीएनए में कोड करके लेके आते हैं कि भाई ये मुझे होगा। और ये आप इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि डीएनए है तो लेना ही पड़ेगा, ये आउट ऑफ लव एंड लॉयल्टी आप इन सब चीजों को लेते हैं क्योंकि आप नेक्स्ट जेनरेशन हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन चीजों को बदल नहीं सकते या आप अपनी आदतों को नहीं बदल सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। और उन सब चीजों के लिए ये मॉडेलिटी बनाई गई है, दिस इज कॉल्ड फैमिली कॉन्स्टेलेशन। ओके, कॉन्स्टेलेशन जैसे आपने सुना है स्टार कॉन्स्टेलेशन की, जहां पे जो स्टार रोज होता है वो वहीं पे आपको मिलेगा रोज, राइट, उसके अलावा उसकी कोई दूसरी जगह नहीं। इसी तरह से जब आप पैदा होते हैं तो आपकी एक जगह होती है आपकी फैमिली में, ओके, उसी जगह को आप बिलोंग करते हैं और वही जगह आपको ये फीलिंग देती है आई बिलोंग टू दिस फैमिली। जब तक आपकी शादी नहीं होती तब तक आपको लगता है बिलोंग टू माई पेरेंट्स, ठीक है, कि मैं अपने पेरेंट्स से बिलोंग करती हूँ, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है देन यू बिलोंग टू योर इन लॉ साइड फैमिली, क्योंकि अब आपका जो बच्चा आने वाला है वो आपके और आपके हस्बैंड के डीएनए के साथ आगे जाएगा। हो सकता है कुछ चीजें वो अपनी मदर से ले, कुछ चीजें वो अपने फादर से लेगा। ठीक है, इन फैमिली कॉन्स्टेलेशन हम लोग ऐसा बोलते हैं कि 70% चीजें जो हैं, जो भी है आपकी लाइफ, उसमें हेल्थ, मनी और आपका जो रिलेशनशिप है, ये सब कुछ आपको अपनी माँ से मिलता है। फादर से आप अपनी बाउंड्रीज बनाना सीखते हैं और आप स्टेबिलिटी लेकर के आते हैं। ठीक है, तो अगर आज मैं बोलूँ, आप में से कितने लोग हैंड रेस कीजिए, मैं आपसे डिटेल नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन इफ यू हैव एनी रिलेशनशिप इश्यूज इन योर लाइफ, हाउ मेनी ऑफ यू रेज योर कंप्यूटर हैंड। बस इतने ही लोगों को रिलेशनशिप इश्यू है। रिलेशनशिप इशू का मतलब ये नहीं है कि केवल हस्बैंड का या जो भी है, रिलेशनशिप इशू मतलब आपके बच्चों से, आपकी सास से, आपकी ननद से, आपकी मम्मी पापा से, यहाँ वहां जहां भी है, मतलब यू आर नॉट हैप्पी विद दैट रिलेशनशिप। सो आप में से जितने भी लोगों को ये रिलेशनशिप इश्यूज हैं, आप सबको अपनी मदर के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि फैमिली कॉन्स्टेलेशन का मतलब ही ये है जो आपकी जगह है आप वहां पर नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि अगर किसी बच्चे का फादर की डेथ हो गई है, ठीक है, तो जब बच्चा बड़ा होगा, मान लीजिए वो बच्चा 2 साल का था, 3 साल का था, 4 साल का था, तब उसके फादर की डेथ हो गई, तब वो शायद बच्चा नहीं समझेगा कि व्हाट इज फादर, पापा क्या चीज हो, लेकिन बड़ा होगा तो उनको ढूंढेगा, बिकॉज वो बाहर देख रहा है कि सबके पापा है मेरे ही नहीं है। तो सबकॉन्शियसली क्या होता है, कॉन्शियसली मे बी कि वो अपनी मम्मी के साथ खुश रहे, वो आगे बढ़े, लेकिन सबकॉन्शियसली वो बच्चा अपने फादर को ढूंढेगा और उसको ये समझ में आएगा कि जो मेरे फादर की जगह है वहां पे कोई नहीं है, राइट। तो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, ये जो पपेट्स हैं, ये सारे जो पपेट्स हैं, ये फैमिली कॉन्स्टेलेशन के लिए ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं इन पपेट्स को यहाँ रखती हूँ, ठीक है, अब ये समझो कि ये मदर है और ये उसका फादर है, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है, और ये जो है ये वो बच्चा है जिसके फादर की डेथ हो गई, समझो कि ये डेथ हो गई फादर की, अब यहाँ फादर नहीं है, ठीक है, मैंने फादर को हटा दिया। अब नाउ अब ये बच्चा अपने फादर को तो ढूंढेगा, करेक्ट, हर बच्चा अपने फादर को चाहता है, चाहे उन्हें जो भी है, तो ही विल ऑलवेज बी लुकिंग दिस साइड, ओके, कि वेयर इज माय फादर, ये जगह है ना फादर की, मदर के साथ ही तो जगह होगी यहाँ पर फैमिली में, करेक्ट, यस और नो, राइट। सो यहाँ पे अब क्या होगा कि वो जो फादर में लॉस्ट हो जाएगा ये बच्चा, अब ये बच्चा बड़ा हो गया, ठीक है, और ये बच्चे की हमने शादी कर दी, ये इसकी वाइफ आई, ठीक है, वाइफ हमेशा लेफ्ट में और हस्बैंड हमेशा राइट में, ठीक है, दिस इज द रूल ऑफ फैमिली कॉन्स्टेलेशन।
ओके अब ये जो बच्चा बार बार ये इधर देख रहा है, तो इसकी जब वाइफ आएगी तो उसको क्या फीलिंग आएगी बताइए आप लोग। मदर की तरफ इंक्लाइंड है और कोई मैम, ओवर प्रोटेक्टेड रहेगा। कुछ और कोई बताना चाहेगा? ट्राई वॉट उसको एंड अपने अटेंशन ही पे नीड्स, फादर एक इन लॉ इंडिया की की कमी प्लेस। महसूस होएगी ना, हाँ तो अपने वाइफ को फादर क्या इन लॉ फील की होगा? कमी महसूस नहीं होएगी। वो उसको मेरे हस्बैंड को क्या मिस हो रहा है, व्हाट इज ही लैकिंग, या नंदिनी जी ने तो किया हुआ सिंपल है खाली तो नंदिनी पर खाली जी पर नोज। तो उसका। बेसिकली संगीता जी, कैन आई सी यू, कैन आई टॉक टू यू? संगीता जी? हाँ जी, सो आप क्या बोलना चाह रही हैं? आप म्यूटेड हैं संगीता जी। सॉरी मैम, उनको निग्लिजेंस लगेगा जैसे मेरे हस्बैंड मुझे निग्लेक्ट करके दूसरी तरफ जैसे देख रहे करेक्ट, हैं, ये बात एकदम ये सही लगे। है। शी विल फील माई हस्बैंड इज नॉट प्रेजेंट, वो अपनी जगह पे है ही नहीं, बिकॉज बेसिकली मेंटली वो कहाँ है, वो यहाँ पे है। ठीक है, अब क्या होता है, अब इनका बच्चा आएगा, करेक्ट? अब क्योंकि ये तो मेंटली यहाँ पे है, ये अपनी जगह पे ही नहीं है, तो ये बच्चा कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि फादर तो है ही नहीं, फादर इज नॉट प्रेजेंट, तो ये कैसे बिहेव करेगा? ये बिहेव करेगा जैसे आपने कई बार सुना होगा, ये मेरा बच्चा अभी से इतना मेच्योर बिहेव करता है, ठीक है, ही विल बिकम द फादर, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरे पापा मेरी तरफ तब देखेगा जब मैं खुद उसका फादर बन जाऊंगा। तो अभी क्या होगा, इनको यहां पे रखने के लिए ये बच्चा, ही विल बिकम द फादर ऑफ द चाइल्ड, ऑफ द फादर। सो बेसिकली जिसकी जगह यहां होनी चाहिए थी वो यहां हुई, बिकॉज व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, जब आपके घर में अनटाइमली डेथ हो जाती है, अर्ली डेथ हो जाती है, तो वो जगह खाली हो जाती है। अगर कोई अपनी पूरा जिंदगी जी करके गया है तो उसके बिलीफ सिस्टम, उसके एक्सपीरियंसेस आपके अंदर ऐड हो जाते हैं, लेकिन जब कोई इंसान अपने समय से पहले चला जाता है तो उसकी जगह जो है खाली हो जाती है, जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ले लेती है। तो जनरली ऐसा देखा गया है, ऑल टुगेदर 3 जनरेशन के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे मैं हूं, मेरा बच्चा है और मेरे पेरेंट्स हैं और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो अगर मेरे बेटे का कोई प्रॉब्लम है तो मोस्ट प्रोबेबली कि वो उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से लिया हो। ऐसा रूल नहीं है, बट जस्ट कि हम इतना सोच सकते हैं। तो नाउ लेट मी कम बैक टू द बेसिक ऑफ दिस थेरेपी। दिस थेरेपी कॉल्ड फैमिली कॉन्स्टेलेशन, बिकॉज यहाँ पे जिसकी जो जगह होती है वो हम उसको उसकी जगह पे रखते हैं, सो दैट आने वाली जनरेशन फ्री हो जाए। अब जब हम कॉन्स्टेलेशन करेंगे तो हमको ये फीलिंग आएगी, दिस फेलो इज बिहेविंग लाइक फादर्स फादर, ठीक है, तो हम उसको रियलाइज करवाएंगे खड़ा करके, सी दिस इज योर फादर, दिस इज नॉट योर सन, क्योंकि सबकॉन्शियसली वही सब चल रहा होगा उसके माइंड में। तो जब इसकी भी वाइफ आएगी ना तो क्या बोलेगी, ही इज बिहेविंग वेरी मेच्योर, ये तो थे ही नहीं और ये तो बहुत मेच्योर बिहेव करता है, तो उसको लगेगा नहीं कि दैट आई एम लिविंग विद माई हस्बैंड, उसको लगेगा आई एम लिविंग विद ओल्ड मैन, राइट? आपने अपने घरों में कितने लोगों ने ये चीज महसूस की कि ये पर्सन अपनी उम्र से ज्यादा या उम्र से कम बिहेव करता है? डू यू सी, अगर किसी बच्चे को आपके किसी भी फैमिली में, किसी की भी फैमिली में अगर उसको घर से निकाल दिया या घर छोड़ के भाग गया, जिसको किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया क्या हुआ, कहाँ गया, है दुनिया में नहीं है, तो क्या होता है, आने वाली जेनरेशन उसका रिफ्लेक्शन आपको देती है। अभी एक लेडी मेरे पास आई थी, वो बोलती है मेरे बेटे का तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बात बात पे घर छोड़ के चला जाता है। आर यू गेटिंग मी एवरीबडी? क्यों चला जाता है? क्योंकि 2-3 जनरेशन पहले एक बच्चा घर छोड़ के चला गया
और उसको किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि वो कहाँ गई। वो पहले बहुत बच्चे हुआ करते थे, 8 8 10 10 12 12 बच्चे एक फैमिली में, तो कौन ध्यान रखेगा। सो दैट इज हाउ योर एंसेस्टर रिप्रेजेंट देमसेल्फ कि देखो मेरे मेरे को आप भूलो मत, मैं यहाँ हूँ। तो व्हेन वी एक्नॉलेज देम, व्हेन वी रिकॉग्नाइज देम, वी गिव देम देयर प्लेस इन द फैमिली कि भाई भले ही आप चले गए हो बट फॉर अस यू आर स्टिल देयर, तब वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है। तब वो जो फीलिंग पर्सन को होती है वो अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। अंडरस्टैंड, ये चीज आपको समझ में आई? ये फिर भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको इसको पूरी तरह से एक जो इसका बेसिक है वो बताती हूँ। सबसे पहले ये फैमिली कॉन्स्टेलेशन है, जिसको फैमिली थेरेपी भी कहा जाता है और सिस्टमिक थेरेपी भी कहा जाता है। ओके, इट इज फ्रॉम जर्मनी। ओके, बर्ट हेलिंगर इज द फाउंडर ऑफ दिस मोडालिटी। ओके, एंड बर्ट हेलिंगर खुद जुलू ट्राइब जो कि अफ्रीका में है, वहां पे उन्होंने खुद 10 साल से ज्यादा टाइम निकाल के इस थेरेपी को तैयार किया गया। जो कुछ भी आप इस थेरेपी में सीखेंगे वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। वो सारे एक्सपीरियंसेस, जब ये थेरेपी बना रहे थे हेलिंगर, तब उन्होंने सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं। ओके, उसमें देखा गया है कि जब हम वो सारे चेंजेस फैमिली में करते हैं, जब हम अपने मरे हुए लोगों को, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनको जब हम एक्नॉलेज करते हैं, तब हमारी फैमिली में चेंजेस आते हैं। ये केवल इतना ही नहीं है, जब आप फैमिली कॉन्स्टेलेशन करते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि वी आर नोबडी, मैं हम कुछ है ही नहीं। अगर मैं आज पैसे की प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, या आज मैं रिलेशनशिप प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, या मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती, उसके रीजंस भी आपके एंसेस्टर और उनके थॉट पैटर्न्स होते हैं, उनके बिलीव्स होते हैं, जिसकी वजह से आप स्टक फील करते हैं। नहीं तो मुझे एक चीज बताइए, बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी कोई बच्चा मार्क्स क्यों नहीं लेके आ पाता, जबकि वो इंटेलिजेंट है, या बहुत उसे अमेरिका से एमबीए करने के बाद भी कोई पर्सन ग्रो नहीं कर पाता है? क्यों? क्योंकि वो उतनी ही पावर है उसके अंदर। मे बी कि स्टडी पावर उसकी अच्छी होगी बट आगे ग्रो करने की पावर नहीं है। आर यू गेटिंग मी? सो जी मैम, हाँ, तो अभी अगर आप किसी भी बच्चे को ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए उसको विजडम चाहिए। नॉलेज अलग चीज है, विजडम अलग चीज है, और अवेयरनेस बिल्कुल अलग चीज है। आर यू गेटिंग मी एवरीबडी? तो जब आप विजडम, आपके अंदर नॉलेज पूरी है, पर उस नॉलेज को यूज करने के लिए आपके पास विजडम नहीं है कि इसको मैं कैसे यूटिलाइज करूं। उसके ऊपर अगर आपको अवेयरनेस ही नहीं है, आपकी फैमिली में अवेयरनेस ही नहीं है, मतलब वो बिजनेस क्या चीज होती है पता ही नहीं है। अब आप बिजनेस करने जाएंगे तो क्या होगा? आपको आगे का रास्ता नहीं दिखेगा और आप बोलेंगे कि आई एम एजुकेटेड, आई एम डूइंग हार्ड वर्क, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी आई एम नॉट सक्सेसफुल इन बिजनेस। अगर आपको याद हो तो लास्ट जो हमने वेबिनार किया था उसमें मैंने बताया था कि एक पर्सन का मैंने जब किया था फैमिली कॉन्स्टेलेशन, तो उसमें ये आया था कि उसके फादर का बिजनेस डूब गया था। ठीक है, तो डूब जाने की वजह से उसने अपने बेटे को बोला कि आप बिजनेस मत शुरू करो, बिजनेस से कोई फायदा नहीं, आप जो जॉब करते हो वही करते रहो, एटलीस्ट खाने पीने को आते तो रहेगा पैसा। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे बिजनेस शुरू करना। उसके बिजनेस शुरू करने के टाइम ही उसके फादर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। राइट, जब वो डेथ हो गई तो उसके बाद जब उनका बिजनेस नहीं चला, तो उन्होंने फिर मेरे पास अप्रोच किया कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, आप जरा प्लीज इसको बताइए। तब मैंने उनको, जब उनका सेशन हुआ, तब मैंने उनको बताया कि भाई आपकी फैमिली में आपके फादर का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि बिजनेस डजंट वर्क, इट डजंट गिव यू ब्रेड एंड बटर। तो अगर ये बिलीफ है तो, और बिजनेस अनसक्सेसफुल ही होता है, ये भी उनके फादर का बिलीफ था। तो जब हमने सेशन किया तो उनके फादर को एक नई अवेयरनेस दिखी, इट इज नॉट ओके। मतलब कुछ जरूरी थोड़ी है कि अगर आपका फेल हो गया कि आने वाली जनरेशन का भी फेल हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। राइट, सो उसके बाद जब हमने उनको नया बिलीफ दिया कि इट इज पॉसिबल टू वर्क हार्ड एंड ग्रो इन बिजनेस एज वेल, तब उनका वो बिजनेस चला। बट कई बार ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं है आपको आपका सोल्यूशन मिले, लेकिन एक इनसाइट मिल जाए कि ये चीज क्यों नहीं हो रही है, तो भी तो आप बाहर निकल सकते हैं ना।
जैसे अगर आपको लाइफ में कोई भी चीज चुभ रही है कि मेरी मम्मी ऐसे क्यों बिहेव करती है, मेरे पापा ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, वो मेरे को एक्नॉलेज क्यों नहीं करते, लेकिन अगर आपको मैं सिर्फ इतना ही बता दूं कि नहीं, बिकॉज आपकी मदर आपको उतना प्यार नहीं दे पाती है द वे यू वॉन्ट लव फ्रॉम योर मदर, क्योंकि उन्हें ही नहीं मिला, उनको ही नहीं पता, तो आपको क्या लगेगा, हाय मैं तो बेकार में ऐसे सोचती थी. करेक्ट, यू विल नॉट फील बैड अबाउट दैट थिंग. तो ये जो आपकी फैमिली है, आपके जो फैमिली है वो आपका रूट है. अगर उस रूट में ही कहीं कोई प्रॉब्लम है, जो चीज उन्हें पता ही नहीं, जो चीज उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं की, वो चीज आप कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हो, राइट? पहले अगर कोई इसी तरह से कोई बीमारी भी किसी को हो गई है या कोई परेशानी उनको हमेशा रहती है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजंस हैं. तो जब आप उन रीजंस के ऊपर काम करेंगे तो आपका वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, क्योंकि नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये कहाँ से आ रही है. ठीक है, सो फैमिली कॉन्स्टेलेशन में सबसे पहली चीज आप सीखेंगे कि आपकी फैमिली में चाहे वो हेल्थ इश्यू हो, रिलेशनशिप इश्यू हो, मनी इश्यू हो, घर का इश्यू हो, या कोई काम हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, हर चीज के पीछे एक रीजन है. बिकॉज 99.99% यू आर योर एंसेस्टर्स डीएनए. ओके, तो अब आप सोचो कि जब एक्चुअली अगर आप साइंटिफिकली, ये तो बर्ट हेलिंगर ने कहा है, लेकिन मैं बहुत बार बुक्स में और बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं उसमें देखती हूँ, उसमें भी ऐसी बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी कि हर बार ऑल द साइंटिस्ट दे से 99.99% यू आर योर एंसेस्टर्स डीएनए. सो हाउ यू कैन बी डिफरेंट, यू कैन नॉट बी डिफरेंट देन योर पेरेंट्स. आर यू गेटिंग मी? फैमिली कॉन्स्टेलेशन में वी आइडेंटिफाई द इशू. ओके, इशू आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसमें देखते हैं कि इसमें क्या फीलिंग है. तो बेसिकली आप फैमिली कॉन्स्टेलेशन में सबसे ज्यादा जो इंजॉय करेंगे वो है चैनलिंग वर्क. ये थेरेपी है, इट इज अ प्रॉपर थेरेपी. ओके, क्योंकि ये आप कहीं भी जाइए, जर्मनी में जाइए, इवन बहुत सारे हमारे ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, अब वहां पे भी ये फैमिली कॉन्स्टलेशन बहुत होने लगा है. बहुत सारे लोग फैमिली कॉन्स्टलेशन को प्रॉपरली, मतलब अपनी कहते हैं ना कि जैसे हम जैसे सड़कें बनवाते हैं और अपना जो सिस्टम है, जो लॉज हैं, वो बनाते हैं ना अपना देश चलाने के लिए, ऐसे ही वहां कंट्रीज इन सब चीजों को मानती हैं कि ये करना है, ये थेरेपी करना है. जर्मनी में तो हॉस्पिटल्स में भी होगा, पुलिस स्टेशंस में भी होगा, बिकॉज सो मेनी टाइम्स बहुत सारे लोग जो गलतियां करते हैं जेल जाते हैं, वो इट्स नॉट बिकॉज कि वो करना चाहते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर अवेयरनेस. उनके पास दूसरी कोई अवेयरनेस ही नहीं है कि मैं क्या करूं. पहले बोलते थे ना कि सुनार का बेटा सुनार, लोहार का बेटा लोहार ही बनेगा. क्यों? बिकॉज वो हर चीज आपके डीएनए में एनकोडेड है कि कैसे वर्क करना है. करेक्ट, हर चीज ऐसी होती है, लेकिन अब क्योंकि टाइम बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, इसलिए आज हमें फैमिली कॉन्स्टेलेशन की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमारे पास चॉइसेस बहुत सारी हैं, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं. और जैसे जैसे हमारा डीएनए इवॉल्व हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो हमारा जो अवेयरनेस लेवल भी बढ़ रहा है, तो अब हमें ये जो ब्लॉक्ड एनर्जी है अपनी, वो हमें अच्छी नहीं लग रही है, राइट? अब हमें ऐसे लग रहा है कि नहीं, हमें इससे आगे बढ़ना है, बट आपकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि आपने जहां जन्म लिया है, जिस जिस फैमिली में आप हैं, उसका डीएनए, उसका पावर, उसकी कैपेसिटी के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं, राइट? तो जब आपको नहीं बढ़ना है, तो आपको उस ब्लॉक को रिलीज करने के लिए फैमिली कॉन्स्टेलेशन की जरूरत पड़ेगी. ओके जी सर, बोलिए सचिन जी. मैम, आजकल 20 सालों में तो पूरा अलग ही एजुकेशन लेते हैं ना लोग। मतलब पिताजी को जो एजुकेशन मिला वो हमको तो पूरा डिफरेंट मिला, करेक्ट, तो अलग ही रहेगा। हाँ वो तो 20 साल उसी वही चीज, मतलब ये होता है तो जो पिताजी करते थे वो तो हम करेंगे नहीं ना। हाँ, ये ना हर टाइम आपकी लाइफ जो है ना, आपकी चॉइस है, आप क्या चूज करते हैं अपनी लाइफ में. ठीक है, कुछ चॉइसेस ऐसी होती हैं जो आपकी फैमिली के साथ बड़ी सही बैठ जाती है. जैसे बिजनेसमैन की फैमिली में भले ही वो कोई दूसरा बिजनेस करे, ठीक है, कोई ज्वेलर है,
और दूसरा बोलता है कि नहीं मैं तो बर्तनों का बिजनेस करूंगा या केबल का बिजनेस करूंगा या जो भी है वॉट एवर, तो बिजनेस तो है ही ना, तो वहां पे आपको 50, 60, 70% तक तो आपको सपोर्ट मिल ही जाता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही बोले नहीं मुझे नौकरी करनी है, मुझे प्रोफेसर बनना है, ठीक है, तो इसमें आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि ये आपकी फैमिली से एक अलग काम आप कर रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे देखते हैं फैमिली में चार पांच लड़के, समझो कोई खेती करता है, कोई आप म्यूट हो गए सचिन जी। जैसे फैमिली में चार पांच लड़के, समझो कोई खेती करता है, कोई मिलिट्री में जाता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, ऐसा अलग-अलग भी होते हैं ना कुछ कुछ इसमें तो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो लेकिन देखिए अगर आप देखेंगे तो जितनी भी बातें आपने बोली ये सब बेस्ड ऑन स्टडी है, नॉलेज लेने की बातें हैं। देखिए इस चीज से इतना फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उस पढ़ाई को आप कहाँ यूज कर रहे हैं। देखिए हमको प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हमको पैसा कमाना होता है, जब हमको आगे बढ़ना होता है। अब आप समझ रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपसे बात की थी कि एक फैमिली में अगर कोई मिसकैरेज या अबॉर्शन हो जाता है, उस फैमिली में पैसे में भी थोड़ा झटका आता है और रिलेशनशिप तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो आपकी इमीडिएट फैमिली मतलब आपके पेरेंट्स की फैमिली, आपकी फैमिली में क्या हुआ, वो डे टू डे लाइफ की चीजें भी आपकी जो आज की जिंदगी है ना उसको पीछे खींच लेती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो केवल ये बात नहीं है, एक घर में अगर सपोज कि चार पांच छह घर हैं, हर घर में एक जैसा ही माहौल है, चलो सभी हिंदू हैं, सभी वेज खाने वाले हैं, सभी जॉब करने वाले हैं, लेकिन उनके अंदर के जो सीक्रेट होते हैं ना वो आपकी लाइफ को इम्पेक्ट करते हैं। किसका कहाँ बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा, किसकी लाइफ में किस चीज का ट्रॉमा लगा, बिकॉज आपकी जो लाइफ होती है वो बनती है जब आपके जो एंसेस्टर है वो बहुत सक्सेसफुल रहे, ठीक है, वो बहुत सक्सेसफुल रहे तो आप भी सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि वो सक्सेस आपके खून में आ गई। कहते हैं ना कि भाई ये टाटा अंबानी थोड़ी ना है, इसको तो बहुत टाइम लगेगा पैसा कमाने, क्योंकि वो खुद ही बता दिया आपने इसमें कि आपके अंदर अभी वो पावर नहीं है कि आप पैदा होते ही पैसे में पैदा हो, वो आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन वहां बना बनाया है, करेक्ट। सेम वे इवन इफ यू सी कि बहुत सारे घर जिनके पास बहुत पैसा है सब कुछ, उसके बाद भी उनको हेल्थ इश्यूज रहते हैं, उनके पास इश्यू रहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप नहीं ठीक चलता, तो हर घर में ना कुछ सीक्रेट होते हैं जो आपको पता नहीं होता। जब आप कॉन्स्टलेशन करेंगे तब आपको पता चलेगा, जैसे किसी ने कि इंटरकास्ट शादी कर ली, वो घर छोड़ के चला गया, उसको घर से निकाल दिया कि तू इस घर का लड़का नहीं क्योंकि तूने बाहर शादी कर ली, तो क्या होगा? आपको लगता है कि अगर इतना स्ट्रिक्ट माहौल अगर आप रखेंगे आप घर के अंदर तो आने वाली जनरेशन नहीं करेगी, वो आने वाली जनरेशन डेफिनेटली लव मैरिज करेगी, डेफिनेटली ऐसी जगह मैरिज करेगी जहां आपको पसंद नहीं ना हो, बिकॉज जो एंसेस्टर, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए सचिन जी, इट्स डिफरेंट, ये थोड़ी अलग चीज है, क्योंकि आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको इस फैमिली से बिलोंग करने का मौका ही नहीं दिया, तो वो एनर्जी, बिकॉज वो किसी को भी किसी किसी भी इंसान को जो फैमिली का है उसको निकालने का किसी को कोई हक नहीं होता, और निकाल देने से भी वो फैमिली से बाहर नहीं जा सकता, बिकॉज वो आपके डीएनए का पार्ट है, उसकी एनर्जी रिफ्लेक्ट करके आपके आने वाले जनरेशन में दिखेगी ही दिखेगी। तो ये जो छोटी चीजें होती हैं जिनको हम भूल चुके होते हैं और वो बड़ी चीज बन के आपके लाइफ में आती है, आपको पता चलेगा कि अरे आपकी फैमिली में बुआ वगैरह की ऐसे शादी हो गई, या मेरे चाचा ने कर ली थी, या मेरे दादाजी के यहाँ उनके भाई ने कर ली थी, आपको लगे, आपको कहीं ना कहीं दिखेगा ये पैटर्न फिर से फॉलो हो रहा है, कहीं ना कहीं लोग फिर से बाहर शादी, बिकॉज जब तक आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर लेते वापस फैमिली में तब तक वो पैटर्न चलता रहेगा, बिकॉज इट इज समथिंग की कोई किसी का कत्ल भी कर दे, कोई मार दे, कोई भी हीनियस क्राइम भी कर दे, तो भी उस इंसान को फैमिली से बाहर नहीं निकाला जा सकता। मतलब हम कह सकते हैं ये माइंडसेट और बिलीफ का ऐसा काम है कि उसमें हमको एग्री करना पड़ता है, जो हम रिजेक्ट करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए,
या ऐसा मतलब बिलीफ, मतलब जैसे हमारा रिलीजियस बिलीफ है कि भाई हिंदू के घर में हिंदू, मुसलमान के घर में मुसलमान, सिख के घर में सिख में ही शादी होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर इजी होता है ना समझने को सिस्टम घर का कि किस तरह से करना है। लेकिन जब आप दूसरे कार में शादी कर, लोग बहुत सारे लोग खुश नहीं होते, अरे नहीं 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 ये नहीं करना चाहिए और ये वो, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी किसी और रिलीजन में शादी हो गई तो भी कोई फर्क नहीं, आप फिर भी उस घर का पार्ट रहोगे, ठीक है, मैम आप उसको। हाँ कैसे? जी मैम मैं अपनी फैमिली में कुछ चीजें रिकॉग्नाइज कर पा रही हूँ वेबिनार लेने के बाद, और काफी टाइम से मुझे था ये पैटर्न, मुझे तोड़ना है बट समझ नहीं आ रहा था कैसे। सो मैं अपनी फैमिली में देख रही हूँ, मेरे फादर इन लॉ को लाइक उनकी फैमिली से हटा दिया, निकाल दिया गया था। ओके मेरे फादर इन लॉ को वो चीज बहुत पिंच करी, उन्होंने सेम पैटर्न मेरे हस्बैंड के साथ किया। राइट दो सी ब्रदर्स थे बट सेम पैटर्न उन्होंने मेरे साथ किया। अब मेरे हस्बैंड को अपने फादर का प्यार नहीं मिला। मैं ये देख रही हूँ मेरे बेटा, उसका नेचर कई चीजों में, बाय हार्ट बहुत अच्छा है बट फिर भी कई चीजों में अपने दादा पे गया है, और मेरे हस्बैंड अब उसमें अपने फादर का प्यार ढूंढते हैं, और वो ये बोलते हैं कि मेरे को मेरे फादर से भी प्यार नहीं मिला और बेटा भी बहुत गुस्सा करता है, जबकि वो हाँ, ढूंढते क्योंकि हैं। क्योंकि आपके हस्बैंड को आपके फादर पे भी गुस्सा तो है ना, बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा, बेटा तो गुस्सा ही देखेगा ना। कि सी इस दुनिया में जो पहला आदमी है एक बच्चे के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, मैन कैसा, मेरे फादर जैसा, वुमेन कैसी, मेरी माँ जैसी, ठीक है। अगर आपके हस्बैंड का गुस्सा उनके फादर से नहीं गया तो डेफिनेटली आपके और आपके मतलब आपके हस्बैंड और आपके बच्चे के बीच में भी सेम स्टोरी होने वाली है। अगर आप ध्यान से सोचे तो एक फैमिली में आप देखेंगे डिवोर्स हो रहे हैं, मदर का भी हुआ, फिर डॉटर का भी हो गया, फिर पता चलेगा बहन का भी हो गया। या अगर डिवोर्स नहीं भी हुआ तो भी उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती, बिकॉज यहाँ कुछ होता है ऐसा। तो फैमिली कॉन्स्टेलेशन केवल इसलिए नहीं है कि यू अंडरस्टैंड कि कौन कहाँ पे है, कहाँ पर आपके घर में प्रॉब्लम कहाँ पे हुई, जो आज आप उस प्रॉब्लम का एक पार्ट ढो रहे हो अपने साथ में। और लास्ट मैम टाइम मेरे बेटे का सेम, मतलब वो प्रॉब्लम के साथ में कई एरियाज में प्रॉब्लम देख रही हूँ, उसका इफेक्ट कई एरियाज में हो रहा है, ऑफ कोर्स जैसे पड़ेगा, स्टडीज में ऑफ मन कोर्स नहीं आपकी लगता। ग्रोथ में पड़ेगा, जी आपके जी बाउंड्रीज में पड़ेगा, लोग आके अननेसेसरी इंटरफेयर करेंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि ये फादर इशू है। जैसे मैंने बताया स्टेबिलिटी नहीं होगी लाइफ में क्योंकि ये फादर इशू है। मदर के साथ इश्यूज होंगे तो मदर के साथ इशू में आपको थोड़ा बॉडी प्रॉब्लम्स आएंगे, हेल्थ से रिलेटेड चीजें होंगी, मनी से रिलेटेड चीजें होंगी, यू नो दिस इज हाउ इट इज। और तो सेम मैं अपने मेटरनल साइड में भी देख रही हूँ, मेरे पेरेंट्स ने बहुत किया बट उनको उनकी वो पोजीशन नहीं मिली जो बड़े बेटे की होनी चाहिए। वहां पे डेफिनेटली मैं यहाँ बैठ के बोल सकती हूँ आपको, नहीं अनामिका जी, वहां पे कोई मिस कैरेज अबॉर्शन आपके या तो हस्बैंड के पहले हुआ है या हस्बैंड के बाद हुआ है। आपके पैटर्नल साइड में बोल रही है, मैं आपकी मदर साइड में बोल रही है या इन लॉ साइड में। मैं ये प्रॉब्लम तो मेरे इनलॉज का था, और अब जो हाँ मैं बता रही हूँ मेरी मदर के और फादर के साथ भी सेम था, कि उन्होंने फैमिली में सबके लिए किया बट उन्हें वो जो बड़े बेटे का एक रिस्पेक्ट या बड़े बेटे का एक वो मिलना चाहिए प्यार, वो अच्छा उनको अच्छा नहीं, ऐसा ओके नहीं, ओके नहीं, हाँ नहीं, नहीं, नहीं। आई गॉट इट। सो इसमें दो बातें हो सकती है, या तो बड़े बेटे को लेके कोई बहुत स्ट्रांग बिलीफ है आपकी फैमिली में मदर साइड में कि बड़े बेटे को ये करना चाहिए या वो करना, वॉट एवर इट इज, या आपकी मदर की कोई अबॉर्शन या मिसकैरेज जरूर हुए होंगे, ये दो बातें हो सकती हैं। हाँ मैम, मेरी मदर का मिसकैरेज हुआ है। बस तो जब मिसकैरेज अबॉर्शन हो जाता है तो वो आपका वो जो 1 2 3 4 वाला नंबर है वो शिफ्ट हो जाता है, जी राइट। जी तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक मिसकैरेज हो गया, फिर एक बच्चा आया, फिर एक अबॉर्शन हो गया, फिर एक बच्चा आया, फिर ऐसे। तो ये जो सीक्वेंस चलता है ना, इवन इन आर चाइल्ड इंटीग्रेशन थेरेपी भी मैंने किया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसमें, उसमें भी मिसकैरेज एंड अबॉर्टेड चिल्ड्रन को भी जगह दी जाती है। यू कैन नॉट से कि जो 3 बच्चे मुझे दिख रहे हैं वही मेरे, जो अबॉर्शन हुआ है, जो मिसकैरेज हुआ है, वो भी बच्चों को काउंट किया जाता है, राइट। इवन लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, लोग इसको बड़ा मैम मॉडर्न मुझे बना समझते हैं जो है अभी कि ये
बहुत मॉडर्न होना समझते हैं कि अगर अबॉर्शन करे तो क्या हो गया, नथिंग इन इट. नहीं, जो हमारे वेदों में लिखा है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है. या तो होए नहीं, होए तो फिर आप उसको जन्म दो, लेकिन ये सब कभी नहीं कराना चाहिए. इन सब के बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स आपकी फैमिली में दिखेंगे, राइट राइट? आपको जो लास्ट टाइम मैंने पीपीटी शेयर की थी, वो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ. जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. मैम, ऐसे पैटर्न तो अलग अलग इसमें भी दिखते हैं ना, डेली लाइफ में भी। समझो किसी का कार का आईना टूट गया होगा, वो ज्यादा दिन नहीं रिपेयर करे तो नया बिठाए बाद में तो तुरंत टूट जाना, या ऐसे इस प्रकार से कुछ चीजें हो जाती है ना ऐसे। बाकी इसमें भी नहीं, वो सब चीजें तो अलग चीज है. वो तो सही गलत वो वाली बात आ जाती है कि उससे कोई नहीं, फर्क नहीं मतलब पड़ता. एक बार अगर माइंड में कुछ फिट हो गया हमारे हाँ, कि बिलीव्स में हो जाता है कि बिलीव सिस्टम में ये कि हम लोग बिलीव करना चालू कर देते हैं कि ये हो गया है तो ये होने ही वाला है. वो भी आप ही का बिलीव होता है. अभी हमारे घर में प्रिंटर है तो हाँ कुछ ना जी, कुछ होके बिगड़ जाता है। अभी तीन प्रिंटर ले, तीन तीन बार प्रिंटर खरीदे हमने, अच्छा. तीनों बंद पड़े नहीं, वो अभी। अलग चीजें हैं सर. ये वो चीज नहीं है जो मैं आपसे बात कर रही हूँ. ये आपकी मेजर इम्पैक्ट जो आपकी लाइफ में होता है चीजों का, मैं उसकी बात कर रही हूँ. या इसका भी कुछ उससे रिलेशन है ऐसा नहीं कुछ? नहीं ये सब चीजों की कोई इतना बड़ा कुछ रिलेशन नहीं है. सबसे बड़ा रिलेशन ये है कि आपकी फैमिली में क्या क्या हुआ है, क्या क्या आपको ट्रॉमास लगे हैं फैमिली में. आपकी फैमिली में किसको घर से बाहर निकाल दिया गया, कौन मर गया, बाढ़ में बह गया, या कोई कहीं विदेश में रहने गया, कभी वापस ही नहीं आया. ये सारी चीजें आपकी फैमिली लाइफ को इंटरप्ट करती हैं, ठीक है? अभी जैसे किसी को कोई फैमिली लाइफ, मतलब किसी की फैमिली से उसके चाचा मामा कोई गए, मान लो लंदन गए या US गए, और फिर वो कभी वापस नहीं आए, तो यहाँ पे मे बी के फैमिली में एक ट्रॉमा आ जाएगा कि मतलब अगर कोई दूर चला जाता है तो वो लौट के नहीं आएगा. वो सोचेंगे कि ऐसा ना हो, लेकिन क्या होगा, अल्टीमेटली होगा वही कि लोग जाएंगे ही जाएंगे और फिर वहां से वापस नहीं भी आ सकते हैं. तब आपको फिर से लगेगा कि अरे ये तो फिर से ऐसे ही हुआ मेरी फैमिली में, ना चाहते हुए भी. तब आप उसमें देखेंगे उसके पीछे बिलीफ क्या है. ये ट्रॉमा निकल के आएगा सामने, ये बिलीफ नहीं आएगा, ये ट्रॉमा होगा आपकी फैमिली में. उस ट्रॉमा को हमें रिलीज करना होगा, करेक्ट? सो मे बी कि वो वहीं रहे, वहीं मर गए, उनके बच्चे आगे बढ़ गए, फिर वहां की उन्होंने पूरी संस्कृति ले ली, सब कुछ ले लिया. पर वन पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये लगेगा तो सही ना कि मैं कहाँ से हूं, मैं कौन हूँ, राइट? तो ये जो थेरेपी है, फैमिली कॉन्स्टेलेशन, इट इज लाइक कि आपको ये पता चलता है कि मैं कौन हूं, मैं ये करती हूं तो मैं क्यों करती हूं, ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आती है तो क्यों आती है, उसका रूट कॉज क्या है. मैं तो अपनी तरीके से सब कुछ ठीक करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम्स क्यों आती है. जब आप यहाँ पे आते हैं ना, तब आपको समझना होता है कि ये फैमिली कॉन्स्टेलेशन में आपको उन चीजों के आंसर मिलेंगे, क्योंकि उसकी रूट आपकी फैमिली में ही है. एक पर्सन आए मैम थे एक तो क्वेश्चन वो, पूछू मैम एक क्वेश्चन पूछू हाँ जी, पूछिए. मेरे मम्मी ने मुझे किसी कारणवश जो है अपने दादा दादी के पास छोड़ा था, तो मैंने हाँ डिसीजन लिया था कि मैं अपने बच्चों को कभी अपने से दूर नहीं रखूंगी। तो कुछ हाँ सिचुएशंस ऐसे आए कि मेरा बेटा भी अपने दादा दादी के पास है, तो देखिए, कोई ये किस किस वजह से है, क्या मतलब प्रॉब्लम आया होगा इसमें? ना कोई बिलीफ है. देखिए, मैंने इसी टाइप का सेशन किया था जहां पे एक बिलीफ आया था, चिल्ड्रन आर दी बर्डन मदर. जैसे डॉटर आई मेरे पास, उसने कहा कि मेरी ना मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप ठीक है, लेकिन मेरा बच्चा ना मेरे से कनेक्ट, मुझे नहीं पता लगता कि वो मेरे से कनेक्टेड है, दूर दूर भागता है. और मैं भी ना कभी कभी बहुत, मुझे ऐसे लगता है कि एक बोझ हो गया ये मेरे लिए. मतलब बच्चा बोझ नहीं हो गया, उसका एक रिश्ता जो है एक बोझ जैसा, बोले मुझे कभी कभी ना बहुत हैवी महसूस होता है जब मैं उससे बात करती हूँ. वो लेडी अवेयर थी क्योंकि वो मेडिटेशन करती थी, हीलिंग्स करती थी. तो उसने मेरे को बोला कि पता नहीं ऐसा क्यों है. फिर मैंने उसे पूछा, हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योर मदर.
तो बोले कि नहीं मम्मी से ठीक है, मतलब इट्स जस्ट दैट कि जैसे इंडिया में होता है शादी के बाद वही तुम्हारा घर है और ये सब चीजें हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है सेशन करते हैं। तो उसकी मदर की मतलब उसकी नानी के बहुत सारे बच्चे थे, मतलब होता है ना हर दूसरे साल एक बच्चा, हर दूसरे साल एक बच्चा शादी के बाद। तो उनको ऐसे लगता था कि चिल्ड्रन आर द बर्डन, तो वो बर्डन इतना बढ़ रहा था कि उस मेरी माँ मुझे बर्डन समझ रही है ये बात बच्चे को एनर्जेटिकली सबकॉन्शियसली महसूस होती थी। तो उसका कनेक्शन उसकी मदर से अच्छा था ही नहीं। फिर उसका जब पूरा सेशन हुआ, उसकी मदर का बिलीफ चेंज किया, और उनको ये अवेयरनेस ही नहीं थी कि भाई बच्चे पैदा करना जरूरी नहीं है ना, आप मना भी कर सकते हो कि भाई अब आगे और मुझे नहीं चाहिए, आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ एवरीबडी, अभी बहुत हो गया। तब उनको लगा कि हाँ मैं ये भी कर सकती थी। लेकिन कई बार क्या होता है, आप समाज की वजह से, एक अच्छी बहू बनने की वजह से आप किसी चीज को आगे बढ़ के नहीं बोल पाते हो कि ये मुझे ये करना और मुझे ये नहीं करना। लेकिन आप, आपके ना बोलने से आपकी फैमिली कितनी खराब हो रही है आपको पता नहीं। तो ये जब उनके इमोशंस रिलीज होते हैं, जब उनको ऐसा लगता है कि मैंने 10 10 बच्चे पैदा कर लिए और उनको मैंने पाला पोसा बड़ा किया, एंड उसमें मेरे खुद को बहुत बीमारियां लग गई, इतना बोलने से ही ना पूरे सिस्टम में, आपकी पूरी फैमिली सिस्टम में एक लाइटनेस आ जाती है। एक आदमी भरा बैठा हो आपके सामने, ठीक है, और आप उसको पूछो कि भाई क्या हो गया, तो वो जब वो बोल दे कि ये हो गया ये हो गया, मेरी आज ऑफिस में प्रॉब्लम थी, तो आपको कैसा लगता है, रिलीफ कि चलो पता तो चला कि क्या प्रॉब्लम थी, राइट। तो अगर कोई ये नहीं भी कर सकता है, मान लीजिए कोई ये भी नहीं कर सकता कि भाई मेरे से कॉन्सलेशन पूरा नहीं होता, केवल और केवल अगर वो इंसान ये रिवील कर दे कि मेरी लाइफ कैसी थी इतने बच्चों के बाद, तो ही आपके सिस्टम में एक लाइटनेस आएगी, क्योंकि उनके इमोशंस रिलीज है। शायद वो किसी से कह ही नहीं पाई हो अपनी लाइफ में कि भाई मेरे को कितनी प्रॉब्लम होती है बच्चों को रेस करना, उनकी देखभाल करना। आर यू गेटिंग मी? बहुत बार हम नहीं बिल्कुल बोल पाते कि हमें क्या चाहिए हमारी लाइफ में, क्या करना है नहीं करना, या कितनी प्रॉब्लम्स है। तो जब ये सारी चीजें फैमिली कॉन्स्टेलेशंस में बाहर आती हैं, जब वो रिलीजेस होते हैं, तब आपका पूरा सिस्टम में शांति आ जाती है। फिर आप आराम से उनके बिलीफ को चेंज कर सकते हो, उनको एक अवेयरनेस दे सकते हो, ठीक है, और उससे उनको ये समझ में आ जाए कि हाँ भाई ज्यादा बच्चे रखने की जरूरत ही नहीं थी ना, मुझे करने ही नहीं थे इतने बच्चे। तब ये सब कुछ थोड़ा आगे तक थेरेपी जाए। लेनी हाँ पड़ेगी, अपनी जी, थेरेपी किसे लेनी चाहिए, थेरेपी किसे लेनी पड़ेगी, कॉन्सोलेशन वाली, मुझे या मेरे आप मम्मी खुद को या थेरेपिस्ट फिर, बनेंगे ना, हाँ नहीं आप खुद अभी अगर करेंगे ये ना थेरेपी। मैम एक और चीज पूछना था, जैसे आपने बोला कि उनका मदर का पैटर्न आपने मतलब उनको समझाया तो उनका रिलीज हुआ और उससे थोड़ा लाइटनेस आई। अब अगर सपोज किसी की मदर है ही नहीं तो फिर उसके वो कैसे लाइटनेस होगा उसमें या सबसे पहले हम ये पूछते हैं कि व्हाट हैपेंड टू योर मदर, वो मरी कैसे। और ऐसा नहीं है कि अगर मदर नहीं है तो मदर की एनर्जी भी नहीं है, क्योंकि हमारे एंसेस्टर जो जिनसे हम डील करेंगे वो सब भी तो नहीं है, करेक्ट। सो द ब्यूटी ऑफ दिस थेरेपी इज कि जो लोग प्रेजेंट नहीं भी है, वहां से भी आप अपनी पूरी लीनिएज को हील कर सकते हो। ओके द अब मेरी थिंग मम्मी इज के जैसे डीएनए मेरी में, मॉम मेरी नानी वो एक जल्दी एज में उनकी डेथ होगी। मेरी मॉम हाँ भी 66 की थी अभी पीछे 3 इयर्स बैक, तो उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो द थिंग इज कि उनकी तरह से मुझे पैटर्न लगा, मगर मेरी जो दादी है शी डाइड इन अप्रोक्सीमेटली 83 ईयर्स। दादी तो फिर लंबा उनका था। हाँ जी देखिए मैटरनल साइड अलग होता है, दादी आपकी पैटरनल साइड में आ गई। हाँ नहीं वो ठीक है आपकी बात। द सिनेरियोस लाइक वो मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे मेरा भी मेरी मेरे मदर का भी अपने फादर के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। राइट मुझे नहीं पता कि उनकी मम्मा के साथ कैसा था, बट वो हमेशा ये कहती थी कि मेरा फादर के साथ बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है। वही मेरा मेरे फादर के साथ बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है। मेरी मम्मा के साथ मेरा बहुत ज्यादा नहीं था, बट उनकी डेथ से पहले बिकॉज मैं प्रैक्टिस करती हूँ बुद्धिज्म, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं बुद्धिज्म प्रैक्टिस करती हूँ और मुझे इस पैटर्न को ब्रेक करना है और मुझे मेरी मॉम के साथ अच्छा वो करना है, एक करेक्ट, स्ट्रांग बॉन्ड बनाना है।
तो बिफोर शी लेफ्ट एक्चुअली, मतलब शी डिमाइज्ड, तो उससे पहले मतलब ये सिचुएशन आ गई थी कि मैंने उनकी एक्चुअली केयर करी एज अ नर्सिंग, उनकी करी, एंड टू हैव दैट क्रिएट दैट बॉन्ड विद हर, दैट लव, लव तो था, लव नहीं, था, लेकिन यहाँ वो पे आपने जो किया है ना, वो आपका कर्मा आपने अच्छा किया, ठीक है। यहाँ पे आने वाली जनरेशन में अगर आपको चेंजेस चाहिए तो फिर आपको कॉन्स्टेलेशन में जाके अपनी मदर को बोलना पड़ेगा कि मदर, आई नो दैट आई वॉज मोर कनेक्टेड टू माई फादर, बट नाउ आई फील लाइक आई शुड कनेक्ट विथ यू। आई डिड नेवर आस्क यू हाउ आर यू एंड ऑल। मतलब आप जब कॉन्स्टेलेशन में होते हो तो ऐसा नहीं कि जो कॉन्स्टेलेशन में आप जो सिस्टमेटिकली मैं आपको सिखाऊंगी, वो तो खैर बहुत बड़ी थ्योरी है उसकी, पहले तो आप थ्योरी सीखेंगे फिर हम कॉन्स्टेलेशंस करेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें आप करेंगे उसमें, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एक्चुअली। ये नॉट ओनली दैट कि आपकी लाइफ साइंस है, आपकी लाइफ के पीछे की भी साइंस है, ठीक गॉट है। इट। तो आपने जो किया, आपने एक अच्छा कर्मा किया अपनी माँ के साथ, आपने अवेयरनेस के साथ कि चलो मदर से अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, वो मेरी माँ है। लेकिन माँ के अंदर उनके सबकॉन्शियस पैटर्न में क्या था कि जो आप उनसे कनेक्टेड नहीं थी, आप अपने फादर से ज्यादा कनेक्टेड थी। मैं बताती हूँ, द थिंग वाज दैट द टाइम आई वाज लाइक ग्रोइंग, तो मैं ना, बिकॉज शी वाज वर्किंग सो शी वाज स्पेंडिंग मैक्सिमम टाइम, एंड मैं आई वाज लिविंग विद माय दादी, तो द थिंग इज कि मेरी दादी भी यहीं रहते थे, हमारे साथ ही रहते थे, तो आई हैड दैट बॉन्ड विद माई दादी इंस्टेड ऑफ माई मदर, बिकॉज मदर डजेंट हैव दैट टाइम टू क्रिएट दैट बॉन्ड, एंड शी वॉज सो सेंसिटिव कि अगर मैं, मतलब वो इतनी ज्यादा सेंसिटिव थी, इतनी ज्यादा सेंसिटिव थी कि मैं अगर उनको कुछ बताऊं भी तो शी माइट हैव गॉट फेंटेड, अगर एक लड़की अपने पेरेंट्स, ओ, काइंड ऑफ दैट वे। सो यू नो व्हाट, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगी, जिनका बॉन्ड माँ से अच्छा नहीं होता ना, उनका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी बहुत बैलेंस नहीं होता है। या मे बी देर आर लॉट ऑफ हिडन फैक्ट्स अबाउट योर हस्बैंड एंड रिलेशनशिप विच यू डोंट नो इवन, क्योंकि मदर के साथ अगर कनेक्ट नहीं है, देर इज अ फियर बिटवीन यू एंड योर मदर कि आप, मैं मदर को कुछ बोलूंगी तो मदर विल नॉट टेक इट, शी वॉन्ट बी एबल टू टेक इट, ठीक है, क्योंकि वो वीक है। दिस इज योर थॉट ना। अभी आपके जो बच्चे, हाउ दे फील अबाउट यू, आर दे कनेक्टेड विथ यू? मैम आई एम अनमैरिड सो ओके ओके, यू आर अनमैरिड, सो आर यू प्लानिंग टू गेट मैरिड? या आई एम, बट आई एम नॉट एबल टू गेट दैट करेक्ट सो पार्टनर। हियर यू रियली नीड टू कनेक्ट विद योर मदर, ओके, क्योंकि जब तक आप अपनी मदर से कनेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज द वन सोर्स इन द वर्ल्ड विच लेट यू कम इन दिस वर्ल्ड इज योर मदर। फादर भी सेकेंडरी चीज होती है, ऐसा नहीं कि फादर की इंपॉर्टेंस नहीं है, फादर की भी इंपॉर्टेंस है, बट अगर लाइफ में कुछ चाहिए, अपनी डिजायर्स पूरी करनी है, अपनी फैमिली बनानी है, देन यू शुड कनेक्ट विद योर मदर। So the scenario was that when I was very young, very very young child, तब मैंने जो, मतलब मेरी फोटोग्राफ्स में देखा था, आई यूज टू लव माई मॉम, एंड वेन शी गॉट सम एक्सीडेंट एंड ऑल, दैट टाइम इट वॉज लाइक, मैं क्या कहूँ आपको कि एक्सीडेंट हुआ तो आई यूज टू प्रे इन फ्रंट ऑफ गॉड दैट नो नो, वे, मतलब सी तब एज तो अ छोटा सा था चाइल्ड, ना बच्चा, नो एक नो, 3 से 4 साल का बच्चे की क्या समझ होगी, या आप यू आर स्टिल टॉकिंग अबाउट योर कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियसली आप क्या क्या करते थे, आप कॉन्शियसली आप प्रे करते थे, बिकॉज आपको पता है कि वो मेरी मदर है। अगर वो आप अपनी दादी के साथ भी रहे तो आपको ये थोड़ी ना हुआ कि ये मेरी मदर नहीं, मदर तो मेरी है। आपको पता है कि आपकी मदर ये है, तो ऑब्वियसली मदर वर्ड में बहुत ताकत होती है, आप उस उनसे जुड़ने की तभी तो कोशिश करने लगे एंड ऑफ द टाइम, कि जब वो बीमार रही तो आपने उनको, क्योंकि यू नो दैट शी इज माय मदर, राइट, बट व्हाट वाज हैपनिंग सबकॉन्शियसली बिटवीन यू एंड योर मदर, जब वो रिजॉल्व होगा तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। आर यू गेटिंग मी? जो कुछ भी आप बात करो, एवरीथिंग इज कॉन्शियस। और बिकॉज ऑफ द रीजन दैट द शी एक्चुअली माय मदर वाज मोर कनेक्टेड टू माय ब्रदर, ये तो एक ऑब्वियस सी ये बात है, यूनिवर्सल वो है कि डॉटर्स फादर्स और मदर्स इसके सन्स का। अलावा इन इंडिया पीपल हैव दैट बिलीफ कि हु विल टेक केयर ऑफ अस व्हेन वी विल नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ इज द बॉय, सन, यस यस माय सन। तो बट डॉटर का वेन क्या है, ये तो चली जाएगी, यू एग्जैक्टली, नो सो द एक्ट। सिनेरियो वाज दैट शी एक्चुअली रियलाइज्ड
बिफोर हर गोइंग शी रियलाइज व्हेन आई डिड एवरीथिंग फॉर हर, देन शी सेड कि तू तो हमारा बेटा है, तू तो मतलब बेटी नहीं, तूने तो बेटियों से भी बढ़कर बेटे वाले काम किया, व्हेन शी रियलाइज्ड. यस और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताऊं, एज अ सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम, सॉरी श्रुति. श्रुति, श्रुति जी आपने एक्चुअली सबकॉन्शियसली यू ट्राई टू प्रूव दैट आई कैन बी योर बॉय, आई कैन बी योर सन, ओके, बिकॉज दिस नेग्लिजिशन अभी सॉरी क्या कर लो, क्या नेग्लेक्टिंग कर रही थी? पार्ट, that neglecting part of your own part which feels that I am neglected by my mother was there at that time, it was trying to prove that look you are not loving me so much as you are loving to my brother but I am now lesser than you, maybe that is why you kept yourself unmarried ki main prove karungi, you know bahut kuch nahi samjhe ऐसा aap. तो सोचा नहीं है, इस तरह से तो सोचा नहीं, ऐसे बट आई कोई वॉज सोचता ऑलवेज नहीं देयर, है, आई वॉज ऑलवेज देयर एज देयर, बिकॉज मेरा ब्रदर तो कॉलेज के बाद सीधा जॉब के लिए वो चला गया, ही वॉज नेवर हेयर. ही इज द यंगर वन एंड यू आर द यंगर वन, आई एम द ही इज द यंगर वन. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस व्हेन समबडी गोज आउट फ्रॉम योर फैमिली एज पर फैमिली कॉन्स्टेलेशन रूल वन और द अदर मेंबर ऑफ द फैमिली टेक्स द प्लेस ऑफ दैट पर्सन, सो आपने क्या किया यू हैव टेकन द प्लेस ऑफ द ब्रदर, क्योंकि ब्रदर तो फैमिली से चला गया ना, अब वो जगह खाली हो गई, सो आपने वो जगह ले ली, सो यू वर प्लेइंग द रोल ऑफ द डॉटर सॉरी द सन, आर यू I have गेटिंग इट taken नाउ? role of actually every as in मैं क्या बताऊँ, जब मेरी मदर जाती थी तो आई वॉज अ काइंड ऑफ मदर टू माई सन, टू माई ब्रदर. हाँ सो बेसिकली आप क्या आई कर रहे हैव हो, बीन और एक्चुअली आपकी शादी भी, आप शादी मतलब कैन आई आस्क यू बिकॉज ये सब चीजें पर्सनल होती हैं, आपकी शादी हो नहीं रही है या आपकी कोशिश नहीं हो रही है, क्या हो रहा है मतलब? Actually, the thing is that firstly, when like the time my actually जो background से मेरे parents और मेरे grandparents है, उसमें 21 साल की लड़की की शादी कर दी जाती थी. So my parents have been looking forward for 21 साल की. तब मैं I was not at that time interested कि 21 साल क्या होते हैं, I have to live my life. तो but वो देखते रहते थे. But things didn't work ओके and आर there have यू been some. वर्किंग नाउ? No, now I am not working after my mom's death and my father is old and अब मेरे के पास उनकी responsibility है. I am taking his responsibility. उससे पहले I was taking the time my mom and my dad was okay, I was taking responsibility of my grandmother. मतलब उनका मैं ध्यान रखती थी. उससे पहले मैं अपने छोटे भाई, मतलब जो मेरे से 6 साल छोटा है, तो मतलब आई कैन से मैं हार्डली सिक्स गिव मी इयर्स वन की. आंसर श्रुति जी, अगर आप नहीं होंगे या आपकी जगह आपका भाई होता तो क्या वो ये सब नहीं कर पाता? करता करता, ऑब्वियसली करता. ना, सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू विटनेस योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स दैट आई एम देयर लुक एट मी, यू आर स्टॉपिंग होल ऑफ योर लाइफ. ये होता है ओके कि जब आपको अपने पेरेंट्स का अटेंशन चाहिए होता है, एक वो होता है ना, एक एक्सेप्टेंस चाहिए होती है कि आई एम ऑल्सो इम्पोर्टेंट नॉट ओनली माई ब्रदर, तो उस समय भी आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेके अपने आप को प्रूव करते रहते हो कि आई एम ऑल्सो एबल टू, सो आपके साथ कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे ये चीज चल रही है कि मदर फादर प्लीज लुक एट मी आई एम ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आपने कभी मुझे वैलिडेट ही नहीं किया, तो आप वो वैलिडेशन मांग रहे हो अपने पेरेंट्स से और इसलिए आप यहाँ पे अटके हुए हो. जिस दिन आपका कॉन्सलेशन होगा उस दिन आप वहां से निकलोगे, चीजें बदलेंगी लाइफ में, यू विल स्टार्ट लुकिंग एट योर सेल्फ. आर यू ओवरवेट? सो ओवरवेट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फीलिंग इनसिक्योर इन लाइफ, यू नो मे बी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि हाउ आई एम गोइंग टू सर्वाइव विदाउट माई पेरेंट्स, क्योंकि आपका वो बॉन्ड ही नहीं बना है. और इट्स गुड दैट कि आप फैमिली कॉन्स्टेलेशन में आ रहे हो, अगर आप ले रहे हो एडमिशन तो आपको ये समझ में आएगा कि हाउ मेनी ब्लॉक्स यू हैव क्रिएटेड फॉर योर सेल्फ,
वो सबकॉन्शियसली वो आपने जानबूझ के नहीं किए. ओके, द डे यू विल कनेक्ट विद योर पेरेंट्स यू विल अंडरस्टैंड कि अब मुझे क्या करना है, मेरी लाइफ है आगे, मुझे क्या करना है, अभी मैं क्या कर रही हूँ. ऐसे जैसे होता है ना, जैसे नींद से आप जागते हो तो आपको लगता है अरे अब तक क्या किया मैंने जिंदगी में, मैंने शादी नहीं की या मैंने जॉब नहीं किया या क्या हो रहा है मेरी लाइफ में. तो आपको एक अवेयरनेस आती है, बिकॉज राइट नाउ योर अवेयरनेस इज ओनली बिजी विद मदर फादर एंड प्रूविंग योर सेल्फ, विटनेसिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, मतलब मदर फादर एंड एवरीबडी इन योर फैमिली कि मैं हूं मुझे देखो मैं हूँ. राइट, आपके माँ बाप प्यार करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको इम्पोर्टेंस भी देते हैं, उन्हें ही नहीं पता कि इम्पोर्टेंस दी कैसे जाती है. ये सारी चीजें ही आप फैमिली कॉन्स्टेलेशन में करोगे, देन यू मे शेड योर वेट ऑल्सो. मैम, ऐसा भी हो सकता है ना कि मम्मी और पापा को वो चाइल्ड से अटेंशन चाहिए होगा तो वो बीमार हो जाए। जितने भी बच्चे अपने माँ बाप के बिना पलते हैं, मेड्स पालती हैं, चलो ये तो बहुत अच्छा है कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ थे. राइट, अब आप सोचो हाउ मच डिसकनेक्टेड दैट चाइल्ड कैन बी जो अपनी मेड के साथ पलाए. अब जो बच्चा बड़ा हो जाता है ना, वो उसकी माँ बोलती है कि देखो इसे तो मेरे से कुछ लेना देना नहीं है. अरे जब लेना देना था तब आप नहीं थे. अब उसने अपना जो इमोशनल लेवल बिल्ड कर लिया कि किसी डिसकनेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, उनकी शादियां भी नहीं टिकती हैं ज्यादा, या जब अगर रहेगी भी तो भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि उन्होंने कनेक्शन क्या होता है, एक दूसरे के साथ रहना क्या होता है, प्यार क्या होता है, केयर क्या होता है, उन्होंने सीखा ही नहीं. द चाइल्ड बिकम सो प्रैक्टिकल, उसने अपनी दुनिया खुद लड़ी, उसने अपनी लड़ाइयां खुद लड़ी, तो अब आपकी जरूरत क्या है उसको. करेक्ट, एक्चुअली यही प्रॉब्लम है कि मैंने अपनी लड़ाइयाँ खुद ही लड़ी हैं। सो एक्चुअली यू आर सो डिसकनेक्टेड विद योरसेल्फ. एंड एवरी टाइम वेन यू विल पुट वन फुट फॉरवर्ड कि अब मैं चलो ये कर लेती हूँ, तभी आपको वेट बढ़ जाता होगा. अगर आप ध्यान करें तो लाइफ में, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो आपका लेवल वेट का कुछ और होगा, या ये भी पॉसिबल. देखिए मैं आपकी लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती, वो तो जब क्लास में हम बैठेंगे देन आई विल डिस्कस, बट जब भी आप अकेले आगे बढ़ते हो और कोई काम करते हो तो आपकी बॉडी भी कहती है अरे हाउ टू सिक्योर दिस लेडी, यू नो ये तो आगे बढ़ रही है. तो वो क्या करता है, एक सेल का एक लेयर आपकी बॉडी के चारों तरफ लगा देता है टू मेक यू फील सिक्योर. बहुत सारी लेडीज, उनको जो हम सड़क चलते लोग टच कर देते हैं अननेसेसरी, जो हमें बुरा लगता है लेडीज को, बहुत सारी लेडीज वेट पुट ऑन कर लेती हैं कि कोई मेरी तरफ देखे ही ना. ऐसे ऐसे मेंटल सबकॉन्शियस ब्लॉक होते हैं हमारे अंदर, हमारी बॉडी को लेकर के, हमारे रहने को लेकर के. तो ये सारी चीजें आप जब फैमिली कॉन्स्टेलेशन करोगे तभी आपको पता चलेगा. मैम, जैसे आपने बताया कि जिसके मदर के साथ रिलेशन ठीक नहीं होते, उनके हस्बैंड के साथ भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम्स नहीं होता. आती है। सो मैम, लाइक जैसे मैं अपनी मदर को देख रही हूँ, मेरी मदर में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, बहुत ज्यादा। और इस जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद मैं वो चीजें रिकॉग्नाइज करने लगी हूँ, क्योंकि उनकी मदर बहुत अर्ली एज में उनकी डेथ हो गई थी, व्हेन शी वाज 4 इयर्स ओल्ड। एंड उन्होंने एज अ मदर अपनी फैमिली को वो किया, अपने भाई बहनों को टेक केयर ग्रो करी। किया. हाँ एंड जब वो इन-लॉज में आई तो उनको उन्होंने केवल गिविंग रही और उन्हें रिसीव रिस्पेक्ट नहीं हुई। हाँ ये भी बहुत मेजर इश्यू होता है इंडियन लेडीज में कि देना और है मेरे देना है पापा, देना है. मेरे पापा बहुत लविंग हैं, लेकिन वो शो नहीं कर पाते हैं, वो दिल से करते हैं लेकिन उन्होंने भी रिस्पेक्ट नहीं। सेम पैटर्न मैंने ये फील किया कि मेरे हस्बैंड, पहले जमाने में दो बातें होती थी, आदमी बाहर जाके कमाएगा, लेडी घर में आके घर का काम करेगी, घर रखेगी, बस इन दो बातों के अलावा कोई और दूसरी बात नहीं थी. अनलेस कि राइट आप मेट्रो सिटीज में रह रहे हो तो आपको ये थोड़ा सा है कि भाई ये बाहर जाएंगी कमाएंगी ये करेंगी वो करेंगी, पर बेसिक तो वही सेम है कि घर में आके काम तो करना ही है. यू राइट नो हमारे देश में जो बच्चे ओवरवेट हैं और जो बच्चों को बीमारियां हो रही हैं एकदम अर्ली एज में, 5, 6, 7, 8 साल की उम्र में, उसका रीजन ही है कि उनकी मदर को इतना ज्यादा काम कराया गया कि एंजाइटी स्ट्रेस डिप्रेशन उनकी मदर के अंदर से ही लेके आए हैं वो. दैट ऑल्सो यू रिजॉल्व इन फैमिली कॉन्स्टेलेशन. यस मैम, मेरा भी वेट बढ़ा हुआ है, मेरी मदर का बहुत ओवरवेटेड है। हाँ और तो कोई बिलीफ तो होगा फेमिनिटी यस को लेकर मैम, के. उनको बहुत ज्यादा, मतलब पहले उन्होंने बहुत लिया लेकिन अब वो ऐसी हो गई है वो किसी पे भी बिलीव नहीं कर पाती है, ट्रस्ट इश्यू है ओवरफ्लो वो. होने लगा है उनकी चीजें।
एंड एक ये पैटर्न मैंने उनके साथ में देखा है कि बड़े की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनको करने दी गई, लेकिन बड़े का जो जगह होती है वो उनको नहीं. करेक्ट. सो सेम पैटर्न मैंने अपनी फैमिली में देखा. दो मैं छोटी हूँ यहाँ इन लॉज के यहाँ, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत लविंग है, लेकिन वो भी बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, डिसरिस्पेक्ट कर जाते हैं. तो सेम पैटर्न मैं अपने में वो कर पा रही हूँ, तो मैं नोट डाउन कर रही हूँ चीजों. करेक्ट करेक्ट. सो द थिंग इज दैट फैमिली कॉन्स्टेलेशन जो है आपकी फैमिली लाइफ में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है. जब आप अपने इश्यूज को रिजॉल्व करते हो देन यू सपोज इन्होंने अभी अनामिका जी ने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा है, सपोज कि वो अपना कॉन्स्टेलेशन करती है तो क्या होगा, शी विल अंडरस्टैंड हर हस्बैंड बेटर. कि मान लो कि उनका कोई फैमिली बिलीफ था, वो उसी को फॉलो कर रहे थे, तो अब उनको वो ग्रज नहीं रहेगा कि ये ऐसे करते या वैसे करते. उनको लगेगा अरे हाँ इट वॉज नॉट देयर ना. तो आपकी फैमिली अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, फैमिली का एक जो होता है ना लेवल अप होता है आपका, जब आप फैमिली कॉन्स्टेलेशन करके चीजों को रिजोल्व करते हो. सेकेंडली आई डू डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्स्टेलेशन. ये जो बेसिक कॉन्स्टेलेशन है फैमिली कॉन्स्टेलेशन कोर्स, इस इज द मेन कोर्स. ओके. ये कोई बेसिक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बेसिक, ऐसा नहीं. दिस इज द कोर्स, मेन कोर्स, जिससे आप फैमिली कॉन्स्टेलेशन फैसिलिटेटर बनेंगे. ठीक है. इसके अलावा आपके पास होते हैं फैमिली ट्रॉमा एंड बॉन्डिंग कोर्स, जो इसके बाद होता है. उसके इस ये स्पेशलाइजेशन की बात मैं कर रही हूँ. देन उसके अलावा डिजीज एंड डिसऑर्डर का होता है, पेरेंट्स रिलेशनशिप के, ये बहुत छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं 1-1 डे के, जो मदर एंड फादर रिलेशनशिप का होता है. एक होता है कपल रिलेशनशिप का कोर्स. ओके. ये भी एक ही दिन का होता है. लेकिन जो फैमिली ट्रॉमा एंड बॉन्डिंग डिजीज एंड डिसऑर्डर एंड ये कोर्स, ये बहुत बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं. इसमें थ्योरी बहुत होती है समझने के लिए. मैम जो कोर्सेज आप बता रही हैं ये भी हम आगे सीख सकते हैं ना? ऑफकोर्स पहले आपको लेकिन बेसिक सीखना होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, उसके आगे हम जाएंगे. वेलकम सर. तो सर आपको बताएंगे, जो लोग नए हैं जो हमारे यहाँ आज ही आए हैं, सर उनको बताएंगे हाउ वी वर्क विथ द क्लासेस एंड ऑल. तो सर ओवर टू यू. थैंक यू. नमस्कार आप सब लोगों को. नमस्ते नमस्ते सर. सर. नमस्कार. सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है सर? नमस्ते सर. क्या ठीक हाँ नहीं है? सर. नहीं सर तबीयत ठीक नहीं लग रही आपकी. मेरी तबीयत ठीक है. आप परफेक्टली ओके? मैंने बस मोबाइल से ज्वाइन किया, यही फर्क है. अच्छा दैट इज व्हाई फेस इज सर कमिंग वेरी डिफरेंट. वॉइस में डिफरेंस लग रही है. हाँ क्योंकि वॉइस उससे है ना, ये इट इज नॉट थ्रू दी हेडफोन, इट इज थ्रू दी स्पीकर फोन. ओके सर. और आप बताएं, आप हाउ आर यू? बढ़िया सर, एकदम बढ़िया सर. ग्रेट. आपका कैमरा एज यूजुअल बंद है, पंखा तो दिखाओ अपना. सर है ही नहीं पंखा, बाहर हूँ. ओके सर, गुड. जानते हैं उनको. माई रिक्वेस्ट इज टू एवरीबडी, सर एक मिनट मैं बस बोलना चाहती हूँ कि ट्राई टू ज्वाइन एंड ट्राई टू स्प्रेड दिस मैसेज टू एवरीबडी. जिनकी आप प्रॉब्लम्स देखते हो उनको बताइए, क्योंकि अवेयरनेस हमारी कंट्री में ज्यादा नहीं है फैमिली कॉन्स्टेलेशन को लेके. जितने ज्यादा लोग होंगे हम आपके ग्रुप में, उतना मजा आएगा आपको और अलग अलग केसेस मिलेंगे करने के लिए. तो प्लीज स्प्रेड द वर्ड, टॉक टू द पीपल एंड लेट देम कम इन द क्लास. और उनको, आपके पास वीडियो है, आप लिंक शेयर कीजिए, उनको बोलिए कि देखिए आप इसको कनेक्ट विद द थिंग्स. क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज. इट इज नॉट समथिंग कि किसी ने लिख के दिया और मैं आपको पढ़ा रही हूँ. हर चीज को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया गया है, यू नो दैट इज हाउ इट इज. यस सर प्लीज आप ले लीजिए. नहीं, योर सेशन यू कंटिन्यू इट. आई जस्ट ज्वाइन, आई वाज एक्चुअली लिसनिंग दिस सेशन. मैं थोड़ा आधे घंटे से सुन रहा था पीछे, सो हाँ जी. इंटरेस्टिंग था, तो आई थॉट ऑफ इंटरेक्टिंग विद ऑल. बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा इसमें कि फैमिली कॉन्स्टेलेशन इज अ वेरी वंडरफुल सेशन. एक्चुअली इट इज मोर देन रेमेडीज. एक्चुअली हम सब रेमेडीज रेमेडीज के पीछे चलते हैं. ये रेमेडीज से थोड़ा ज्यादा, इट इज मोर ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द पास्ट रिलेशनशिप. इट इज मोर ऑफ द अंडरस्टैंडिंग विद the relationship that we are born and brought up, and that the same we are going to transfer to our younger generation. So वो understanding के लिए बहुत अच्छा family constellation. हर चीज remedies नहीं होती है. Actually remedies तो हर चीज को नहीं relate करना चाहिए, rather हमें pattern of life पे या अपनी जीवन के approach के ऊपर ध्यान देना चाहिए, वो journey पे ध्यान देना चाहिए.
that actually a bigger remedy. So family constellation is a very powerful subject in helping to change or understand the journey of life. किस जर्नी से हम आ रहे हैं और किस जर्नी में हम आगे जा रहे हैं और हम क्या डिलीवरी दे रहे हैं अपनी यंगर जनरेशन को, उसके लिए बहुत अच्छा इफेक्टिव सब्जेक्ट है ये, मुझे ऐसा लगता है. तो वन ऑफ द वे दैट आई वाज जस्ट लिसनिंग उजाला जी जब ये बोल रहे थे कि अगर किसी का मनी का प्रॉब्लम है, किसी का तीन चार चीज़ों का प्रॉब्लम है तो वो मदर से है. सो आई वुड स्टेट वे अंडरस्टैंड जब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो हम बोलते हैं भैया फ्लो ऑफ मनी के लिए चंद्रमा को पकड़ लो. सो दीज आर अच्छा नहीं होता, वो सेल्फ सबोटाज बहुत करते हैं, इधर उधर से अपना काम निकालने वाली बात कि बस वो हो काइंड ऑफ जाए. इमोशनल इम्बेलेंस को हम फिर रिलेट करते हैं. तो मेरा क्या, मैं यही रिलेट कर रहा था, जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं और जो लोग और सब्जेक्ट्स करते हैं तो रिलेट करना सब्जेक्ट को बहुत आसान हो जाता है, और अदर एक आपको एक रेम आपको एक कनेक्टिविटी मिल जाती है और एक रेमिडी अपर हैंड मिल जाती है कि आपका अच्छा इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आपने समझ लिया. जैसे इन्होंने एक बार एग्जाम्पल भी दिया था, एक कुछ इशू किसी ने बताया कि आपके मदर का मिसकैरेज होगा या मदर का कुछ प्रॉब्लम होगा, समथिंग शी सेड इट. सो द पीपल आर इन टू द अदर फील्ड ऑल्सो, दे कैन एबल टू रिलेट एंड एक्चुअली वो रेमेडियल सॉल्यूशन भी हो जाता है ऑटोमेटिकली. मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली कॉन्स्टेलेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक को ही करना चाहिए. इसको करने के बाद इनफैक्ट मैं आई वाज सिटिंग विद पूनम, मुझे लगा मैं उसको कह रहा था कि फैमिली कॉन्स्टेलेशन सीखना है जरा सीखा, तो दैट वाज सो इंटरेस्टिंग. अदरवाइज मैं बहुत कम टाइम होता है जब मैं वेबिनार कोई भी अटेंड कर पाता पूरा, वेरी रेयरली. सो आज मुझे टाइम मिला, मैं 15-20 मिनट आधा घंटा सुना सिटिंग विद पूनम, तो मैंने उसको बोला ये उजाला जी का फैमिली कॉन्स्टेलेशन वाला क्लास करेंगे किसी बैठ के. डेफिनेटली सर, सर आप क्लास में आ गए तो क्लास ही बदल जाएगी हमारी. आप तो इतना एक्सपीरियंस्ड है तो क्लास का जो स्टैंडर्ड है वो कहीं और ही चला जाएगा. बिकॉज एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या वास्तु, ये सारे जो नॉलेज है ना, वो वास्तु का नॉलेज फैमिली कॉन्स्टेलेशन में, फैमिली कॉन्स्टेलेशन का नॉलेज वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी में, आप रिलेट कर पाएंगे हर चीज. कि अगर आपको घर भी मिलता है ना तो आपके एंसेस्टर के पैटर्न पे मिलता है वो. एक्चुअली ऑल आर कॉम्प्लीमेंटिंग टू ईच अदर एक्चुअली में, और हमारे जो माइंड पैटर्न होते हैं वो सारे माइंड पैटर्न प्री डिफाइंड ही होते हैं, हम प्री कंसीव करके चीजें जीवन जीते हैं. कि प्री कंसीविंग लाइफ जो होती है ना, यही एक्चुअली डिस्टर्बिंग लाइफ होती है. ये बहुत सारे फैक्टर्स को चेंज करती है. फैमिली कॉन्स्टेलेशन से पावरफुल पावरफुल कंसेप्ट टू रिमूव दिस प्री कंसीव काइंड ऑफ एक्टिविटीज, चेंजिंग द प्री कंसीव थिंग्स. तो मुझे लगता है सभी को करना चाहिए. और फैमिली कॉन्स्टेलेशन में इंडिया में उजाला जी से बेटर अभी इस टाइम पे कोई नहीं है, दैट आई कैन गारंटी यू. बिकॉज वेक तो फैमिली कॉन्स्टेलेशन के मास्टर ही बहुत कम है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो देर वेरी फ्यू दोज हु एक्चुअली नो डेप्थ ऑफ फैमिली कॉन्स्टेलेशन. क्योंकि फैमिली कॉन्स्टेलेशन की ज्यादा बहुत ज्यादा डेप्थ है, एक का सब्जेक्ट कर लेने से चीजें नहीं होती. इट्स लाइक समथिंग आपने एक कोर्स कर लिया, छोटा मोटा कोर्स किया, उसे पढ़ाना शुरू कर, इट वुड नॉट हेल्प यू आउट. तो ऐसे लोग ही हैं ज्यादातर, और जो दो चार लोग हैं भी एंड दे आर वेरी फैंसी प्रोफेशनल काइंड ऑफ. तो ऐसा है, एज द एकेडमी ऑलवेज बिलीव इन द इकोनॉमिकल, तो ये एक सब्जेक्ट है. तो बाकी चीजें तो जाला जी आपको शेयर कर ही देंगी, उनके पास पीपीटी है, पीपीटी मेरे पास नहीं है, मैं आई एम विद मोबाइल. सो बट मेरा कहना ये होगा, इट इज नॉट टू मिस सब्जेक्ट, इट इज अ सब्जेक्ट विच इज टू बी टेकन एज ए जर्नी. क्योंकि ये आपको बहुत सारे इंसाइट्स देगा, ऐसे इंसाइट्स बाकी सब्जेक्ट्स नहीं दे पाएंगे. बाकी सब्जेक्ट आपको कनेक्टिविटी सिखाते हैं, इवन एस्ट्रोलॉजी आल्सो. लाइक मुझे थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान है, उसके बावजूद मुझे जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि इसको अगर समझे बात को तो एक्टिविटीज को एस्ट्रोलॉजी में रिलेट कर पाना और आसान हो जाता है और ईजी होता है, बल्कि रेमेडियल फैक्टर और बढ़ जाता है. तो दैट्स हाउ इट इज. अगर हम इस चीज को करते हैं, सॉरी आई नीड टू लीव एज आई हैव अ क्लास. यस यस यू मे प्लीज, थैंक यू. एंड आप, आपके पास नंबर होगा अकेडमी का या आप ग्रुप में अकेडमी के ज्वाइन होंगे, तो 91998 आप, मैडम आपका नाम नहीं है, आई एम सॉरी. ऑलवेज पुट योर नेम, दैट नेम इज योर पावर. कल की मैंने एक क्लास में ना, इसने मेरा एक्चुअली पता नहीं बाय डिफॉल्ट ही यही आता है, कहीं पे नाम आ जाता है, कहीं पे ये नंबर ले लेता है. आपको एक बात बताता हूँ, आई कैन नॉट रिलेट द एंटायर सब्जेक्ट, बट आपके नाम से कल की क्लास में जो लोग थे मेरे साथ, कल की कौन सी क्लास थी, वास्तु क्लास थी, उसमें मैंने नाम से आपके नाम पे मंत्र कैसे बनता है वो मंत्र सिखाया था.
those who are in Vastu वो check कर लेना how you can make mantra of by using your own name. ठीक, तो नाम I don't have actually, but मुझे इतना पता है कि मेरी नानी ने मेरा नाम लिखा था, तो रखा था उन्होंने श्रुति रखा था, तो मेरे को ये relate होता है, श्रुति means वेद, तो मैं अपने आप को यही consider करके चलती हूँ that I am. How to make a mantra of Shruti? That's how it is been taught. I don't have that thing. If it would be there, so I would be really grateful that if I get that. वो थोड़ा सब्जेक्ट लंबा हो जाएगा तो टाइम नहीं होगा इतना. मुजारा जी मुझको इतना समय नहीं देगी आप. ठीक है, तो आप अपना नाम यूज करो. एनीवे, पॉइंट ऑफ सेइंग इज दैट फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द वंडरफुल सब्जेक्ट. आप लोग इसको करते हैं, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू एनहांस योर स्किल सेट्स. इट इज इट मे नॉट हेल्प यू लाइक द रेमेडीज ऑफ द वास्तु और द एस्ट्रोलॉजी काइंड ऑफ, वो शायद आपको नहीं भी मिले, लेकिन आपका स्किल सेट इंप्रूव करेगा. स्किल सेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. Concepts, skill sets, understanding. Actually, जो occult master है ना, they are more of counselors rather the remedies. क्योंकि ये लोगों को पहचान सकते हैं बिना उनके बोले, उनको समझ सकते हैं. तो counselors हैं ये बड़े. डॉक्टर को ना उसको पूछता है कि तुम्हारा क्या पैटर्न है, तुम कैसे हो. डॉक्टर पूछ के काउंसलर है, आप लोग बिना पूछे काउंसलर्स हो. सो यू आर अ बेटर काउंसलर देन डॉक्टर. और उसके लिए स्किल सेट्स को डेवलप करना बहुत जरूरी है. और फैमिली कॉन्स्टेलेशन इज ए कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट टू हेल्प यू इन स्किल सेट्स अंडरस्टैंडिंग. सो मेरा तो यही आपको कहना होगा कि यू मस्ट ज्वाइन दिस सब्जेक्ट. इट्स अ वंडरफुल जर्नी फैमिली कॉन्स्टेलेशन की. एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. एंड जारा जी कैन शेयर रेस्ट ऑफ द थिंग्स विद यू ऑल. थैंक यू सो मच सर. मेरा ऑलमोस्ट हो गया. ओनली थिंग टू शेयर द डिटेल फॉर फी एंड द क्लास, बिकॉज़ I spoke on almost because I am with the mobile, I cannot share all those. लेकिन हाँ, मेरे पास, मैं वही चेक करी थी, मेरे पास शायद नहीं है. वो होना तो चाहिए कहीं ना कहीं. नहीं मैडम, आपके पास होगा, बच्चे देखे गए होंगे आप. मैं तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ फैमिली कंसल्टेशन के लिए. डे वन से मैंने फीस सबमिट करी हुई है एंड आई वॉन्ट टू डू ऑल द लेवल्स. मुझे पता नहीं क्यों बहुत अट्रैक्ट कर रहा है बहुत ज्यादा. वो एक्चुअली क्या होता है ना कि एक सेकेंड, मैं जरा वो पीपीटी देख रही हूँ. आपके पास होगा जाला जी, आपको बच्चों ने सबमिट किया होगा. वो वाला है सर, एक सेकेंड मैं वही चेक कर रही हूँ कि मेरे पास यहाँ कहीं है वो. हाँ सर, ये है. मैं एक सेकेंड जरा डिटेल. सर एक सेकेंड मैं शेयर कर रही हूँ. आई होप यही है डिटेल जो है. सर ये देखिए, आई थिंक दिस इज द वन. आई डोंट थिंक दिस इज द वन. आई डोंट थिंक सो. ओके
ये फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन पे, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होगा फर्स्ट पेज पे, आप फर्स्ट पेज देखो, फर्स्ट पेज के स्लाइड पे फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होगा। हाँ ओके सर, वो मैम ये नहीं तो है वंस डिटेल, मींस दिस ओनली ना, ये नहीं है, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन के स्लाइड पे फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होगा जाना जी। की खेलिंग लिखा हुआ लग रहा है। आई गॉट इट सर, मिल गया। आप इसको चेंज कर दो। यस सर। मेरे उसमें खुल नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसका शायद फॉर्मेट दूसरा है, तभी वो खुल नहीं रहा है एक्चुअली। तो मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया है सर, आप देख लीजिए उसमें। ओकेवाईसी फ्रॉम दी मोबाइल। या वो राजीव आपके ही नाम पे जो सेव्ड है नंबर, वही उसी में है सर। सो आपने मेरे को व्हाट्सएप पे दिया है? यस सर, व्हाट्सएप पे है। आप रीड आउट कर दो मैडम, अगर आपको वैसे नहीं मिल रहा ओके तो सर, मुझे नो रीड आउट कर प्रॉब्लम। दो उसको। वो इसमें खुल ही नहीं रहा है वो एक्चुअली। आप रीड आउट करो। सो कोर्स कंटेंट में बहुत सारी चीजें मैंने पहले भी आपको बताई, तो एक तो 3 बेसिक डायनेमिक सिस्टम, सिस्टमिक नॉट्स जो है वो आप उसमें पढ़ेंगे कि ये सब चीजें क्या होती हैं, टाइप ऑफ इमोशंस एट वर्क, फॉर्म ऑफ रेजोल्यूशंस कि किस तरह से आप सारी जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे रिजॉल्व करेंगे, उसके लिए आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, देयर यू कैन यूज दोज नोट्स। एंड आपको टेक्निक्स और टूल्स क्या होते हैं फैमिली कॉन्स्टेलेशन के वो पता चलेंगे। इंटरप्टेड आउटरीच मूवमेंट उसको कहते हैं जो आप इसमें लर्न करेंगे, जो बिटवीन चाइल्ड एंड मदर होता है, कि वो चाइल्ड जब मदर से कनेक्ट करता है तो उसके बीच में जो इंटरप्शन होता है उसको कैसे रिलीज किया जाता है वो आप इसमें सीखेंगे। हु बिलोंग टू फैमिली सिस्टम, आप इसमें ये भी सीखेंगे कि किसको हम फैमिली के अंदर मानते हैं और किसको फैमिली के साथ में हम नहीं मानते, ठीक है। और जो ये जो कोर्स है बेसिकली हमको 2 जुलाई से शुरू करना था, बट डेफिनेटली नाउ फ्रॉम द कमिंग वीक हम लोग सेट करते हैं एक डेट, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड दिस इज गोइंग टू बी फॉर 2 मंथ्स कोर्स। दूसरा 18+ क्लासेस रहेंगी, तो ऑलवेज आपको जैसे पता है जैसे आप क्लासेस करते हैं कि 12 क्लासेस आपकी होंगी फॉर 2 मंथ्स, 2 क्लासेस इन अ वीक, ओके। एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, प्रैक्टिकल केस स्टडीज होगी, एंड आपको एकेडमी के मेंबरशिप का जो बेनिफिट है वो मिलेगा, प्लस आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, और आप फ्री रिपीट कर सकते हैं जब भी ये दोबारा होता है, तो आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, आपको फ्री है रिपीटेशन। स्टडी नोट्स आपको मिलेंगे जो ऑलरेडी अपडेट अपडेट हो जाते हैं आपकी क्लास के लिए, ऑलरेडी वो हैं, ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल हैं, जैसे ही आप क्लास में एंटर करेंगे यू विल बी एबल टू एक्सेस दोज नोट्स, और कंप्लीशन जब आप करेंगे तब आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। सो फॉर द न्यू पार्टिसिपेंट्स इट इज 11,000, आफ्टर डिस्काउंट इट इज 8,800
For existing participants, MRP is 11,000 and after discount 7,700. बाकी जो डिटेल है पेमेंट्स की वो आपको शेयर कर दी जाएंगी ग्रुप्स पे, और आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑल नो कि कहाँ शेयर करना है, तो वो नंबर्स वगैरह आपके साथ शेयर हो जाएंगे. और जो ग्रुप में आना चाहते हैं सर, वो नंबर्स तो सर आपके पास होंगे. विच नंबर? सर वो जो पेमेंट्स के जो डिटेल्स हैं वो तो ऑलरेडी सब जनरली सबको पता ही होता है जो नए नहीं तो आपने जो स्लाइड पीछे लगाया था उसको दोबारा लगा दो, उसी में दी पेमेंट डिटेल्स. ओके सर वो कर देते हैं. You can see these details. ये जो नंबर्स हैं, दिस कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट्स. आप स्नैपशॉट ले सकते हैं इन सबका. सो ऑल ऑफ यू प्लीज कनेक्ट द एकेडमी फॉर मोर डिटेल्स with respect to the course, with respect to any queries. But this is the course which help you to get more dealing about the concepts and the understanding about the relationship and the journey with from the pehle kya hamara jeevan mein ghata aur usse aage kaise ghat raha hai. So connectivities are both strong with this mein, and this will help you to have a better aapka to master. So this is what it is delivered. Ujala ji, over to you. So these are the details. बाकी अगर किसी को कुछ पूछना है प्लीज पूछ लीजिए. एनी डाउट्स एनीबडी? कितने दिन का है और क्या टाइमिंग रहेगी? टाइमिंग 1.5 आवर्स का होता है जो है कोर्स. और अभी तक जो हमने टाइमिंग सेट की थी सर, ट्यूसडे एंड सैटरडे वो किया था 9:30. 9:30 नहीं, 7:30. सॉरी 7:30, सॉरी सॉरी. तो 7:30 से मतलब 9 o'clock तक. 7:30 टू 1.5 से 2 घंटे का क्लास होता है. हाँ मतलब ये कि प्लस माइनस क्लास होगा. हाँ 15-20 मिनट ऊपर जाता हफ्ते ही में दो दिन, महीने में 8 हुई तो 2 महीने में 16-17 क्लास कुछ ऐसे बनेंगी क्लासेस. एंड 7:30 में क्लास इसलिए ताकि इजिली आप लोग उसको कर सके इवनिंग में. देयर सम पीपल सम टाइम वर्किंग होते हैं तो 7:30 में इजिली होती है. रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी सो दैट यू कैन ये review the recording and the chapters. Notes आपको जाला जी दे देंगे. And that's it. Any other queries, any other understanding, please let me know. जाला मैम, आपने हमें बताया था जब फर्स्ट वेबिनार हुआ था कि हम प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे इसके बीच में. हाँ ऑफ कोर्स यस. एक्चुअली बेसिकली क्या होता है कि आप तो बहुत डिटेल में सीख रहे हैं. जो हम लोगों को सिखाया जाता था वहां पे इंस्टीट्यूट में, उसमें था 4 डेज कोर्स. उसमें हाफ डे थ्योरी और हाफ डे आपका प्रैक्टिकल होता था, मतलब हमारे सेशंस होते थे खुद के. तो अभी क्योंकि हमारे को थैंकफुली टाइम काफी है तो काफी आपका थ्योरी मैं कवर करूंगी उसमें, तो साथ के साथ कुछ प्रैक्टिसेस होंगे. देन आफ्टर हम वंस इन अ वीक मिला करेंगे, ठीक है? और उसमें जो भी हम सबके इशूज हैं, एक एक करके सबका एक एक इशू हम लेते जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे. वो लास्ट टाइम भी हमने किया था. तो डेफिनेटली हम प्रैक्टिस सेशन डेफिनेटली करने वाले हैं. right. और इसमें प्रैक्टिस आपको खुद को भी करनी है, आपस में भी करनी है सबको. सो इट्स मोर लाइक कि आप जब सेशन करेंगे तो इसमें 16-17 क्लासेस के अंदर हो सकता है 12 कुछ क्लासेस आपका थ्योरी रहे, 4 या 5 क्लासेस आपका प्रैक्टिस सेशंस रहे. थैंक यू सरला जी. वर्तिका जी, डू यू वांट टू से समथिंग? या मैम, बस मुझे ये पूछना था जैसे कि आपका ये फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन कोर्स करने के बाद क्या हम जो जैसे आपने एक तो यही कोर्स का, फिर इसके बाद आपने कहा कि रिलेशनशिप मनी काफी सारे 1-1 डे के कोर्स हैं, तो वो फिर अलग से और करने पड़ेंगे मैम?
ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए क्या होता है, जब आपको किसी चीज में इंटरेस्ट आने लगता है ना, तो आप चाहते हो थोड़ा और जान लू, मैं जान लू। लेकिन ये जो आपका कोर्स है ना, बेसिक कोर्स, एक्चुअली यही मेन कोर्स होता है। अगर आपको फैमिली कॉन्स्टेलेशन फैसिलिटेटर बनना है तो यही मेन कोर्स है। तो ओके आप मैम, तो ये क्या कर मैम लीजिए, उसके बाद आपका देखिए अगर आपका मन है तो आप आगे कर सकती हैं, नहीं है तो इट्स ओके। आई मीन मैम ये कोर्स ही आपको बेसिकली बेस देता है ये थेरेपी के लिए। मैम एक्चुअली ये आपका जो कोर्स है, क्या उसके बाद हम किसी के भी इंडिपेंडेंटली एफसी कर पाएंगे? ऑफ कोर्स, इसीलिए तो क्लास हो रहा है। आपको कोर्स करने के बाद आपको प्रैक्टिस ही करना है, आपको दूसरों के केसेस ही लेने हैं, आपको उसको आगे बढ़ाते जाना है कि अच्छा आज मनी के ऊपर किया, अब रिलेशनशिप के ऊपर। क्योंकि आपको टेक्निक मैं बता दूंगी, उसके बाद आप उससे क्या रिजोल्व करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप हेल्थ प्रॉब्लम्स भी ले सकते हैं, लेकिन किसी चीज में आप स्पेशलाइजेशन करना एक अलग बात होती है। करेक्ट, यस ओके। नहीं पर डेफिनेटली मैम एक चीज और पूछना, ये करने के बाद आप सब कुछ कर सकते हैं। ओके मैम मैं वन चीज और पूछना था, वन थिंग कि क्या कहते हैं आप, एक एक दो क्या हम दो तरीके के होते हैं कि ऑनलाइन हमें करना कि 1-to-1 हम कर रहे हैं, या कई बार होता है कि 4-5 लोगों के साथ मिलके हम करते हैं उस चीज को, मतलब जो क्लाइंट की जो यस प्रॉब्लम है, तो एक होता है कि हम ही सब कुछ उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम ही वो कर रहे हैं, तो मैम क्या इसमें तरीका है आपका? हाँ इसमें आपको मिनिमम दो लोग चाहिए होते हैं, एक आप खुद थेरेपिस्ट, और सेकेंडली आपको एक पर्सन होगा जिसका ये जनरली आइडियली आपको जिसका प्रॉब्लम है वही चैनल करता है, आपका क्लाइंट ओके चैनल करता है सेशन को। पर बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, तो उसके लिए आप किसी को भी ले सकते हैं जो चैनल कर पाए आपका सेशन। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं क्लास में बताऊंगी, और जब आप क्लास में होंगी ना तो आपको खुद को आइडिया आएगा कि हाउ आई कैन कंडक्ट दिस सेशंस, वो मैं नहीं आपको मैम सिखाऊंगी क्लास में। वो जो है कि बहुत से लोग क्या होता है कि ये कहते हैं कि अगर हम खुद ही कर रहे हैं तो हमें तो अपनी प्रॉब्लम मालूम है, तो कहीं ना कहीं हम बाइंड ऐसा हो नहीं जाते हैं। होता, ऐसा नहीं होता है कि उन्हें मालूम है या उनको, आपको पता है कि आपकी मदर के क्या बिलीफ है, आपके फादर का क्या बिलीव है। तो आप उनसे पूछिए कि क्या आपको पता है, क्योंकि हमारे बिलीव्स क्या है वो हमको कभी पता नहीं होते। डजेंट मैटर कि आपको अपनी प्रॉब्लम कितनी पता है, लेकिन उसकी की वजह क्या है वो तो आपको नहीं पता। अगर आपको पता होती तो हमको सेशन ही क्यों करना पड़ता, राइट? ऐसा नहीं होता है। आप आएंगे, पहले समझेंगे इसको, और आपके सामने मैं एक दो चार सेशंस करूंगी, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये ऐसे होता है, फिर आपको नहीं क्लैरिटी मैम आएगी। आई नो, क्योंकि मैं जैसे पार्टिसिपेट करती हूँ पेप्सी में, लेकिन मैं उस टाइप का करती हूँ जिसमें 5-6 लोग, मतलब हर चीज को अलग पर्सन अच्छा, डील कर रहा आप होता। खुद रिप्रेजेंटेटिव बन के करते हैं, इज इट? तो हाँ हाँ यस। नहीं आप मैं को कहाँ करना नहीं पे, आता है, वर्तिका जी, आप मुझे कहाँ करना पे? नहीं आता है। नहीं मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, मुझे करना नहीं आता, जस्ट क्योंकि मेरे हाँ को थोड़ी क्यूरियोसिटी है तो उसको जानने के लिए। तो जैसे ऑनलाइन आजकल मैं एक ग्रुप में हूँ, वो उनको पार्टिसिपेंट की जरूरत होती है, क्योंकि हाँ एक काउंसिलेशन के लिए 5-6 पार्टिसिपेंट तक चाहिए होते हैं, तो पर समटाइम आप मैं यहाँ उसमें पे पार्ट ले। सीखेंगे ना वर्तिका जी, तो आपको वो सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप किसी भी, मैं तो आपको पेपर से भी काउंसलेशन सिखाऊंगी, तो आप उससे भी कर सकती है, आपको पार्टिसिपेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद अपने आप कर सकती हैं। मतलब आपका क्लाइंट और आप, दैट्स इट। ओके हम अपना भी कर सकते हैं खुद। खुद का अभी नहीं कर सकते, जब आप हायर लेवल्स में जाते हैं तब आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो अवेयरनेस लेवल है वो भी बढ़ता है ना, जब आप काउंसलेशंस करते हैं, आप रिजॉल्व करते हैं आपके इश्यूज, तब आप कर सकते हैं। ओके ओके मैम थैंक यू ओके ओके अभी मैम। आपने क्लास कब कब बताई आपने? ट्यूसडे है? तक जो एज ऑफ नाउ सैटरडे एंड ट्यूसडे है, बाकी अभी क्योंकि एक्सटेंड कर दिया ना हमने और एक वीक, क्योंकि हमें और लोग चाहिए था कि बिग बड़े ग्रुप में सीखने में मजा आता है, तो दैट इज व्हाई वी हैव डन दिस अगेन, कि अभी चलो ठीक है ठीक एक्चुअल मैम वो सैटरडे तो नहीं सूट करता है ना, सारे राजीव सर के है। कोई आई भी टॉक सारे टू, सैटरडे। नो प्रॉब्लम। एंड एनी वे आप वीडियो तो देख ही सकते हैं ना, रिकॉर्डिंग्स तो आपको मिलेंगी, तो आप वो देख लीजिए, नॉट ए प्रॉब्लम। और कोशिश कीजिए जितना ज्वाइन कर सके, वैसे मैं सर को फिर बात कर लेती हूँ, इफ इट इज पॉसिबल वीकडेज में रखना है तो वीकडेज में भी कर सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम, बात करते हैं मैं। ठीक है, लेट मी डिस्कस विद द सर।
हाँ सर मैम, अपने अकॉर्डिंग करिएगा, क्योंकि मैंने अभी कोई और भी कोर्स ज्वाइन किया है, तो लेट्स सी कि मेरा मन है, क्योंकि मैं इसको धीरे धीरे सीख रही हूँ, उसकी चीजों को देख भी रही हूँ, तो आई नो कि पहले भी मैं 1 to 1 आपसे सीखना चाह रही थी, लेकिन शायद मेरा टाइम नहीं उस समय हो रहा था, या अभी आई डोंट नो, बट नो मैं प्रॉब्लम, हाँ अभी आप सीख सकते हैं और एंजॉय कीजिए. आप फैमिली कॉन्स्टेलेशन बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, इट इज आई माय नो फेवरेट. नहीं मैम, मैंने आपसे थीटा भी सीखा था, वो भी काफी अच्छा आपने सिखाया था, और हम लोगों ने किया भी था उसकी एक चीज को। ओके हाँ ओके ग्रेट. मैम, चलिए, कुछ लोग एक्सपीरियंस्ड भी आ रहे हैं हमारे ग्रुप में, राइट? चलिए, ओके टेक केयर एवरीबॉडी एंड सी यू इन द क्लास नाउ. ठीक है, ट्राई टू, अगेन आई वुड से दैट ट्राई टू टेल पीपल अबाउट दिस कोर्स, सो दैट बहुत सारे लोग हो, तो आपको अपने बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स मिले, एंड प्लस एक बोलते हैं ना, एक ब्लेसिंग्स तो है ही आपके लिए कि यू आर ब्रिंगिंग समवन इनटू दिस आर्ट व्हिच इज रिजॉल्विंग पीपल्स इश्यू, राइट? सो ओके एवरीबॉडी, टेक केयर एंड सी यू इन द क्लास. बाय बाय, गुड नाइट, थैंक थैंक यू मैम, यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर कमिंग. बाय. बाय मैम।